भारत देश के आज़ादी के पहले संग्राम के एक महान क्रांतिकारी अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत भूमि को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी शिवपुरी नगर के सम्माननीय नागरिकों को, माताओं बहनों को, विद्यार्थियों को भी अभिवादन करता हूँ। मंच पर बैठे मेरे सहयोगी बहन पुष्पांजलि जी, जो भारत स्वाभिमान मध्य प्रदेश राज्य की प्रभारी हैं, मेरे एक दूसरे सहयोगी भाई विवेक जी, वो भी मध्य प्रदेश राज्य के राज्य प्रभारी हैं, भाई दीपेंद्र जी जो सह राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, भाई तरुण जो मंडल प्रभारी हैं, और श्री वीके गुप्ता जी जो भारत स्वाभिमान राजगढ़ के संयोजक हैं, इन सभी सहयोगी साथियों को भी अभिवादन करता हूं, इनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन सबके सहयोग से इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है, मैं आपके बीच में आ सका, आपसे संवाद कर सका। देश और समाज की कुछ गंभीर समस्याओं पर आपसे मैं बात करना चाहता हूं और उसी के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है 5 जनवरी 2009 से। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इस अभियान के अध्यक्ष हैं, आचार्य श्री बालकृष्ण जी इस अभियान के महामंत्री हैं, मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने इस अभियान के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दे रखा है। इस अभियान में संपूर्ण भारत देश में लगभग 31 राज्य प्रभारी हैं, उनमें से 2 राज्य प्रभारी आपको मंच पर दिख रहे हैं, बहन पुष्पांजलि, भाई विवेक जी, इनके जैसे 31 राज्य प्रभारी हैं, 680 जिला प्रभारी हैं संपूर्ण भारत देश में, उनके बीच में कुछ मंडल प्रभारी हैं, सारे देश में करीब 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो इस अभियान के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। जनवरी 2010 तक 11 लाख से ज़्यादा योग शिक्षक इस अभियान से जुड़ेंगे, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर हरिद्वार में चल रहे हैं, आप अगर आस्था चैनल देखते होंगे तो उन प्रशिक्षण शिविरों में कभी आंध्र प्रदेश का, कभी छत्तीसगढ़ का, कभी भारत देश के उड़ीसा राज्य का, अलग अलग राज्यों के शिविर हो रहे हैं। थोड़े दिन के बाद परम पूजनीय स्वामी जी ये शिविरों को समाप्त करके भारत देश के एक एक जिले के प्रवास पर निकलने वाले हैं। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि स्वामी जी का प्रवास जब होगा एक एक राज्य में, एक एक जिले में, तो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोग इस अभियान के साथ सीधे जुड़ पाएंगे और इस अभियान को हम वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी अभियान बना पाएंगे। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये भारत स्वाभिमान अभियान है क्या और इसको शुरू क्यों किया है, इसकी ज़रूरत क्या है। हमारे देश में आज़ादी मिले हुए तो करीब 62 साल हो गए, 63वां साल इस समय आज़ादी का चल रहा है। आज़ादी के 62 साल पूरे होने के बाद 63वां साल शुरू होने पर भी इस देश में कई गंभीर प्रश्न ऐसे हैं जो हमें गुलामी के दिनों की याद दिलाते हैं। सामान्य रूप से ऐसा होता है दुनिया में कि कोई भी अपने गुलामी के दिनों को याद नहीं करता, क्योंकि वो दिन अच्छे दिन नहीं माने जाते। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अपने अच्छे दिनों को तो बार बार याद करता है, खराब दिनों को कोई राष्ट्र और देश याद रखना नहीं चाहता है। जैसे आपके परिवार में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन दुर्घटनाओं को हम जल्दी भूल जाना चाहते हैं, नहीं तो हमेशा हताशा में, निराशा में जीना पड़ता है। परिवार में होने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटना को जब हम भूल जाना चाहते हैं तो देश में होने वाली भी बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को भूल जाना चाहिए, लेकिन इस देश की आज़ादी के 62 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम इन गुलामी के दिनों को भूल पाते और अच्छे दिनों की तरफ आगे बढ़ पाते। बहुत अफसोस और दुख से मुझे कहना पड़ता है कि इस देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, जिनके जीवन का सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर हो गया, उनके सपनों का भारत, उनके आदर्शों का भारत अगर बन जाता तो हमारे जैसे लोगों को ये भारत स्वाभिमान अभियान नहीं चलाना पड़ता
और इस तरह के काम में नहीं आना पड़ता। हुआ ये है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी अपने शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं पाया। शहीदों ने जो सपना देखा वैसा आदर्श इस देश में स्थापित नहीं हो पाया। अब शहीदों के सपनों का भारत स्थापित करना है और शहीदों के सपनों के आदर्श को इस देश में स्वतंत्रता रूप में, स्वराज्य रूप में उतारना है, उसी के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान बना है। इस अभियान की मदद से हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो ये कि अपने देश की जो आज़ादी है बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। अपनी आज़ादी की कीमत और अपने आज़ादी का मूल्य अगर आप समझना चाहें तो दो तीन बातें आपसे मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि दुनिया में 50 से ज़्यादा देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं, लेकिन किसी भी देश की आज़ादी में इतने शहीद अपनी शहादत देकर, अपने जीवन के सब कुछ को न्यौछावर करके देश के लिए नहीं गए हैं जो भारत में हुए हैं। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहादत हुई है, भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया। अमर शहीद तांट्या टोपे से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद नाना साहब पेशवा से अगर हम शुरू करें, वीरांगना लक्ष्मीबाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना झलकारी बाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना कित्तूर चन्नम्मा से हम शुरू करें, वीरांगना दुर्गावती से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद हमारे देश में अजीमुल्ला के साथ शुरू करें, अमजद खां के साथ शुरू करें, ऐसे शहीदों का नाम लेते 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 अगर सूची बनाई जाती है तो उसमें 7,32,780 नाम आते हैं। आपको शायद ये बात अंदाजा है या नहीं कि इस देश की आज़ादी के लिए 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, जैसे कि अमर शहीद तांत्या टोपे को यहाँ शिवपुरी में फांसी चढ़ाई गई थी, ऐसे ही अन्य शहीदों को फांसी पे चढ़ाया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस की लाठियों के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस की गोलीबार से, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस के खौफनाक तरीकों से, आपको शायद मालूम है या नहीं कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की सरकार तोप के मुंह से बांधती थी और गोला दाग कर उनके शरीर के चिथड़े कर दिए जाते थे। तो जिन शहीदों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन शहीदों को गोलियों से मारा गया, जिन शहीदों को लाठियों के अत्याचार ने मार डाला, जिन शहीदों को पुलिस के भिन्न भिन्न तरीके के अत्याचारों से मारा गया, उन शहीदों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या आज़ादी के लिए कुर्बान नहीं हुई। अंग्रेजों की नीतियों ने और अंग्रेजों के अत्याचारों ने ऐसे कई बार मंजर उपस्थित किए थे। मैं आपको कुछ बंगाल के उदाहरण देना चाहता हूँ। 1857 की जब क्रांति हुई इस देश में और अंग्रेज पहली बार उसमें पराजित हुए और भारत के क्रांतिकारी उसमें जीते, तो अंग्रेजों ने दूसरी बार इस देश पर हमला किया था। 1 नवंबर 1858 के आसपास बंगाल के उन सब इलाकों को अंग्रेजों ने सील कर दिया था जहां से क्रांतिकारियों के दल निकला करते थे। बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष, बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे शचीन्द्रनाथ लाहड़ी, बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे बिपिन चंद्र पाल। ऐसे क्रांतिकारियों के दल बल जिन गांवों में रहा करते थे, जिन शहरों में रहा करते थे, उन शहरों को अंग्रेजों ने चारों तरफ से सील कर दिया था। उन शहरों में भोजन सामग्री जाना बंद करा दिया था। भोजन सामग्री जब महीनों महीनों उन शहरों में नहीं पहुंची, दाल आटा चावल सब्जी उन इलाकों तक नहीं पहुंची, तो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने भूख से तड़प कर जान दे दी थी।
उनकी संख्या इस देश में 4.5 करोड़ के आसपास। बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, बहुत बड़ी शहादत हुई है इस देश। हम तो बड़ा अफसोस इस बात का कर सकते हैं कि अपने शहीदों के नाम की अगर सूची बनाने के लिए बैठे तो 15-20 से ज्यादा नाम याद नहीं आते हमें। अच्छे खासे पढ़े लिखे इस देश के विद्वान लोगों के साथ जब मैं चर्चा करता हूं और कहता हूं कि चलो अपने इलाके के शहीदों की एक सूची बनाओ, तो 2-4 से ज्यादा नाम ही याद नहीं आते। इतनी बड़ी विडंबना है, इतना अफसोस है हमें। जिन्होंने हमें आजादी लाके दी है, जिन्होंने हमें स्वराज्य का ये दिन दिखाया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए टूटी फूटी ही सही स्वतंत्रता का रंग भर के लाया है, उनके नाम हमें नहीं मालूम, उनके गांव हमें नहीं मालूम, उनके कुल नहीं मालूम, उनके गोत्र नहीं मालूम। और शायद इसी अंधाधुंधी में इस देश में ऐसे भी मंजर देखने को मिलते हैं जो कभी किसी देश में संभव नहीं है। मैं एक तरफ इस देश में देखता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठानों के शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं, जिन्होंने पल पल इस देश से गद्दारी की है, इस देश के समाज से गद्दारी की है, इस राष्ट्र की अस्मिता से गद्दारी की है। वो इस देश में संपूर्ण सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और जिन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए बलिदान किया है, उनके पुरखे, उनके पूर्वज इस देश में चाय बेचकर अपना गुजारा करते। मैंने मेरी जिंदगी में सबसे खराब दिन एक देखा। एक बार मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरा, अक्सर मैं जाता रहता हूँ लेकिन वो दिन मैं नहीं भूल पाया कभी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैं फ़ोन सुनने के लिए रुक गया। जहाँ मैं रुका था उसके सामने छोटी सी एक चाय की दुकान थी। उस चाय की दुकान पर एक माँ और एक बेटी आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि हम गरीब क्यों हैं और कुछ लोग इस देश में बहुत अमीर क्यों। तो माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे फ़ोन की वार्ता पूरी होने के बाद मैं भी उन दोनों के पास चला गया। मैंने जानने की कोशिश की कि आप ये जो गंभीर चर्चा कर रहे हैं ये तो भारत की संसद में होनी चाहिए, और हमारी संसद अगर ये चर्चा नहीं कर सकती है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैंने जिज्ञासावश उन दोनों का परिचय पूछ लिया तो मेरी आँख से आंसू निकल आए। वो दोनों अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग थे। उनको इस देश ने चाय बेचने के काम पर लगा रखा है, और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके इस देश से गद्दारी की थी उनको इस देश ने मुख्यमंत्रियों के पदों पर बिठा रखा है। आप जानते हैं कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हर क्षण हर पल इस देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ काम किया, देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ काम किया। ऐसे परिवार इस देश की सत्ता व्यवस्था में हों और जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनके परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में, क्या यही दिन देखने के लिए देश आज़ाद हुआ है? हमारे देश में एक सिंधिया परिवार है जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों की सेवा की है, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी फौज देकर, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने सैनिक देकर क्रांतिकारियों पर हमले करवाए थे, उस परिवार के लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी को सुशोभित करें और अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचते फिरें, इससे बड़ा अपमान इस देश में कुछ नहीं हो सकता। एक और परिवार है ऐसा ही इस देश में। पंजाब में एक पटियाला राजघराना है जिन्होंने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की थी और पंजाब राज्य को अंग्रेजों के हाथों लुटवाया था। उस पटियाला राजघराने के व्यक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ऐसा हिंदुस्तान तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था।
कभी हमारी कल्पना नहीं थी कि ऐसा देश बनेगा। शहीदों ने भी अगर ये सोचा होता कि ऐसा ही देश बनेगा तो शायद वो भी शहादत नहीं देते। उन्होंने तो ये सोचकर अपने जीवन को कुर्बान किया कि हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस देश में स्वतंत्रता का मंजर देखेगी और शहीदों के सपनों का सम्मान होगा, उनके आदर्शों का सम्मान होगा, शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, उनके आदर्शों का भारत बनेगा। लेकिन आज़ादी के 62 साल के बाद भी बन नहीं पाया। ऐसा ही हुआ। जिस समाज में गद्दारों का सम्मान होने लगे, जिस समाज में विश्वासघातों को कुर्सियां मिलने लगे, जिस समाज में गद्दार और विश्वासघातियों को सत्ता शिखर पर पहुंचाने का काम होने लगे और शहीदों के परिवारियों को चाय बेचकर जिंदगी चलाने का इस देश में ऐलान होने लगे, तो इस देश की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, आप सोचें अपने दिल दिमाग से और तय करें। मुझे तो बहुत खराब लगता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है इस देश की व्यवस्था पर। इतना महत्वपूर्ण इस देश की कुर्बानी का एक आधार, और दूसरा आजादी मिलते ही शहीदों को भूल जाना इस देश में कैसे संभव हुआ है? मैं थोड़े दिन पहले पंजाब गया था, पंजाब में अमृतसर गया था, अमृतसर से पाकिस्तान सीमा पर गया था, एक गांव में दर्शन करने गया था। और दर्शन किसका करने गया था? अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा गांव है हुसैनीवाला। उस हुसैनीवाला में अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव, अमर शहीद राजगुरु की समाधियां हैं। जैसे आपके शहर में अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि है, वैसे ही हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनी हुई है। मैं उस समाधि का दर्शन करने गया था, वंदन करने गया था, उस मिट्टी को छूने के लिए गया था, माथे पर लगाने के लिए गया था। मुझे इतना अफसोस हुआ वहाँ जाने के बाद कि तीनों समाधियाँ बहुत गंदी पड़ी हुई। हमारे देश के कर्ता धर्ताओं को, जिनके ऊपर हम जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि तीन महान क्रांतिकारी शहीदों की शहादत जहां हुई हो, उनकी समाधियों को कितनी पवित्रता से रखा जाना चाहिए। ऐसा देश भारत बना है, बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। मुझे और भी एक बड़ा अफसोस है कि जिन उद्देश्यों के लिए शहीदों ने शहादत दी है, एक भी उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं देता इस देश। एक पुरानी घटना शुरू करता हूं मेरे व्याख्यान के लिए। अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद मन्मथनाथ गुप्त, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहड़ी, अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये संगठन वाराणसी में बना था, सन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन की स्थापना के समय ये सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको आज की राजनीतिक भाषा में मैनिफेस्टो कहते हैं। शहीदों ने घोषणा पत्र जारी किया था और वो घोषणा पत्र ये सारे शहीदों के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। बहुत दिनों के बाद मेरे जैसे आदमी को वो घोषणा पत्र दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पड़ा हुआ मिला, और ऐसी जगह पड़ा हुआ मिला जो कहने लायक नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनमें कुछ कचरा घर होता है, कूड़ा घर होता है, तो ऐसे ही कचरा घर में भारत के क्रांतिवीरों का घोषणा पत्र पड़ा हुआ था, लिखा हुआ हाथ से था, मन्मथनाथ गुप्त का, सचिंद्रनाथ लाहड़ी का, भगत सिंह की हाथ की लिखावट थी उस पर। मैं इन क्रांतिकारियों के पत्र पढ़ता रहा हूँ अपने जीवन में, लिखावट मुझे पहचान में आ गई। मैंने वो कचरे के ढेर से कागज निकाल लिया, किसी तरह उसको पलटने की कोशिश की तो कागज फट गया, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था। मैंने उस अभिलेखागार के
डायरेक्टर को ले जाकर वो प्रस्तुत किया कि इतनी महत्व की चीज है और ये कूड़े के टोकरे में पड़ी है, कचरे के डिब्बे में पड़ी है, इसको तो बहुत सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए था। तो उस आदमी ने जवाब दिया जो सरकारी कर्मचारी था, उसने कहा राजीव भाई सारा देश ही कचरे के टोकरी में पड़ा हुआ है, कूड़े के डिब्बे में पड़ा हुआ है, इसका क्या कहें। फिर वो वहां से निकालकर हमने किसी तरह से अच्छे तरीके से कागज को ग्लास पे रखा, कांच पे रखा, उस पे सेलो टेप चिपकाया, जहां जहां से फट गया था उसको ठीक किया, पढ़ने लायक बना, तो वो क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र है। वो अभी भी दिल्ली में है। उसमें हमारे क्रांतिकारी क्या लिख रहे हैं, अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएं ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, पहला है। अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। माने अंग्रेज चले जाएं उससे हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, शुरू होती है लड़ाई। अंग्रेज जाएं ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है, वो कहते हैं दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है कि अंग्रेजियत भारत को छोड़कर जाए। अब आप पूछेंगे अंग्रेजियत का मतलब, अंग्रेजियत का मतलब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था, अंग्रेजों के बनाए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई नीतियां, अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे तंत्र, इसको एक शब्द से कहा जाता है अंग्रेजियत। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों की भेषज, अंग्रेजों की वस्तुएं, अंग्रेजों की पाठ्यक्रम, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की कर व्यवस्था, ये सारा का सारा जो तंत्र है ये पूरा हिंदुस्तान से चला जाए, ये क्रांतिकारियों का दूसरा लक्ष्य। फिर उस घोषणा पत्र में लिखा गया कि भारत देश को अंग्रेजों ने लूट लूट कर गरीब बना दिया, वरना भारत कभी गरीब देश नहीं था। तो अंग्रेजों की लूट के चलते जो भारत में गरीबी आई है, ये गरीबी जल्दी से दूर हो और भारत फिर से समृद्धशाली और एक संपत्तिवान देश बने। भारत के किसान, भारत के मजदूरों को इस देश में इतना सम्मान मिले जितना पिछले 250 साल में उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके वो हमेशा हकदार रहे। फिर आगे का लक्ष्य वो कहते हैं कि हमारा ऐसा है कि साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान से जिए जैसे कि कोई करोड़पति और अरबपति जीता है। पैसे का आधार लेकर इस देश में सम्मान ना हो, व्यक्ति का सम्मान हो, उसके कर्म का सम्मान हो, उसके कार्यों का सम्मान हो, उसके कर्तव्य का सम्मान हो। पैसा तो आना और जाना है, उसका सम्मान तो कोई व्यवस्था को कायम रखने वाला हो नहीं सकता। कर्म को आधार बनाकर हम सम्मान करें इस देश के साधारण नागरिकों का। फिर उस घोषणा पत्र में शहीदों की तरफ से लिखा गया कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देखिए कितनी गहरी बात उस पत्र में लिखी है। वो कहते हैं हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कोई भी उंगली दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी उंगली दूसरे से बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं। इन उंगलियों की छोटाई और बड़ाई बहुत मामूली है, तो हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में इतना ही मामूली अंतर होना चाहिए जितना हाथ की उंगलियों का अंतर है। ये हमारे उद्देश्यों में शामिल है। ऐसे कर करके उस घोषणा पत्र में शहीदों ने 29 बिंदु लिखे हैं, वो सब हस्त लिखित है। इस देश के लिए इतिहास है, और वो इतिहास है जिस पर इस देश की संसद में बहस होनी चाहिए, विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारे शहीदों के सपने क्या थे जिसके लिए वो अपने को कुर्बान कर गए। अंत में उस घोषणा पत्र में लिखा है कि भारत के सारे नौजवानों से इस बात की अपील है कि हम तो अपने जीवन में जीते जी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बनाए रास्ते पर आते रहें, अपने को खपाते रहें और इस देश के लिए न्यौछावर करते रहें। एक वाक्य शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा अपने पेन से, और वो लिखते हैं
कि भारत आजाद होगा, इसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया कि मैं आज कह रहा हूं कि भारत लगभग 15 साल के बाद आजाद होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, इस पर हम सभी को बहुत आशंका है, हमारे मन में बहुत अविश्वास है। क्योंकि भारत की आजादी के बाद भारत अगर अपने रास्ते पर चलेगा, स्वदेशी के रास्ते पर चलेगा, स्वावलंबन के रास्ते पर चलेगा, तो हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन आजादी के बाद अगर ये भारत फिर विदेशी और गुलामी के रास्ते पर चल पड़ा तो हमारी शहादत बेकार जाएगी। इसलिए भारतवासियों से हमें अपील करनी है, निवेदन करना है कि आजादी तो बड़ी बात नहीं है, वो तो आ ही जाएगी, लेकिन आजाद का भारत आप कैसा बनाएंगे वो बहुत महत्व की बात होगी। ऐसा घोषणा पत्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, मन्मथनाथ गुप्त, शचीन्द्रनाथ लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब ने मिलकर लिखा था। ये सारे के सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे इस देश में जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते। उनमें से महात्मा गांधी एक थे। महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले आचार्य विनोबा भावे एक थे। उन दोनों के साथ काम करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन एक थे। तो कुछ ऐसे भी क्रांतिवीर थे जो अहिंसा के रास्ते पे चलकर देश को आजाद करना चाहते थे। और जो अहिंसा वाले क्रांतिकारी थे उन्होंने भी अपना एक घोषणा पत्र बनाया था। और उनका घोषणा पत्र 1946 में पूरे देश के सामने आया था। क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र 1924 में आ गया। उनके कुछ समय के बाद अहिंसावादियों का घोषणा पत्र 1946 में आ गया। और 46 का जो घोषणा पत्र है और 1924 का, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। पहला बिंदु उसमें भी यही है कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि अंग्रेज चाहें तो इस भारत में मेहमान बनकर रहें, लेकिन अंग्रेजियत हमें इस देश में बिल्कुल नहीं चाहिए। उस अंग्रेजियत को इस देश से हमें विदा करना है हर एक पल में। तीसरा बिंदु है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाएं, ये सब हमें बदलनी है, ये हमें नहीं चाहिए। चौथा बिंदु है गरीबी, भुखमरी, बेकारी इस देश से दूर होनी चाहिए। और ऐसा करके एक लंबा घोषणा पत्र अहिंसावादी क्रांतिकारियों का है। ये हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने वाले और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने वाले दोनों ही क्रांतिकारियों को मैं कैंची की तरह मानता हूं। आप जानते हैं कैंची के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हिंसावादी मानता हूं, एक को अहिंसावादी। दोनों ही मिलकर काटने का काम कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी को, और दोनों ही महत्वपूर्ण थे अपने अपने तरीके से। महत्वपूर्ण क्या बात है, सपने दोनों के एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं। कुछ क्रांतिकारियों का रास्ता है कि अंग्रेजों से लड़ो, भिड़ो, उनको मार डालो, खत्म करो और इस देश को आजाद करो। कुछ क्रांतिकारियों का रास्ता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करो, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो। लेकिन उद्देश्य एक ही है, अंग्रेजों को हटाना है, स्वतंत्रता को लाना। उद्देश्य में कहीं कोई मतभेद नहीं है, आदर्शों में कहीं कोई मतभेद नहीं है, ये हमें समझने की बात है। उद्देश्य और आदर्श अगर एक ही हैं क्रांतिकारियों के, तब तो होना ये चाहिए था कि आजादी आते ही 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत इस देश की संसद को, इस देश की विधानसभाओं को इस काम के लिए लग जाना चाहिए था कि आखिर शहीदों ने इस देश के लिए जो सपना देखा, हम उसको कैसे पूरा करें, क्या क्या हम इस देश में करें कि शहीदों का सपना पूरा हो जाए। ये हमारी संसद और विधानसभाओं का काम होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि इस देश की संसद और विधानसभाओं ने 62 साल ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी शहीद के एक सपने को भी पूरा किया जा सके। मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। हमारे अमर शहीद भगत सिंह की कहानी आप सभी को मालूम। उन्होंने अपने जीवन में फांसी की सजा पाई
और फांसी की सजा पाने के पीछे का कारण क्या था कि अमर शहीद भगत सिंह ने एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी को गोली से मारा था। उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी का नाम था सैंडर्स, लाहौर का वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। सैंडर्स ने क्या किया था, भारत देश के एक अहिंसावादी क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को भारत से मजबूर होकर भगा देने के काम में लगे हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था सैंडर्स ने। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सरकार के एक कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहौर में। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी भारतवासी को, कोई भी अंग्रेज सरकार का पुलिस कर्मचारी रात के 2-3 बजे घर से पकड़कर ले जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको सालों साल जेल में रख सकता है। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के जिस व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया वो व्यक्ति अपनी अपील कहीं भी नहीं कर सकता, किसी अदालत में नहीं जा सकता। और अंग्रेज पुलिस के कर्मचारी का दिमाग फिर जाए, दिमाग उल्टा हो जाए, तो उस भारतवासी को पीटेगा, मारेगा, उस पर अत्याचार करेगा और भारतवासी अपनी शिकायत नहीं कर सकेगा। ऐसा एक बर्बरतापूर्ण कानून बनाया था अंग्रेजों की सरकार ने, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था लाहौर में। उस जुलूस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया था और लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां मारी थी कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह भी वहीं हुआ करते थे जहां लाला लाजपत राय थे, लाहौर में। तो भगत सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज की। पुलिस की उस शिकायत के आधार पर इंक्वायरी हुई, जांच हुई। जांच में पाया गया कि लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी बिना किसी कारण के। लाला जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उनको लाठियों से पीटा जाए, ना उन्होंने संपत्ति का नुकसान किया, ना उन्होंने पुलिस का कोई नुकसान किया, ना पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोई अपशब्द कहा, ना पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की, ना किसी को उकसाया, ना किसी को भड़काया, फिर भी उनके सिर में लाठियां मारी गई। ये जांच में बात निकल के आई। तो शहीद आजम भगत सिंह का ये कहना था कि सैंडर्स नाम के अधिकारी को दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने बिना किसी कारण लाला जी को सिर में लाठियां मारी और लाला जी का ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन जब सैंडर्स के सामने ये बात आई तो सैंडर्स ने कहा कि मुझे कोई सजा मिल नहीं सकती, कोई दंड मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर यह काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है, पिटने वाले के पक्ष में नहीं। उस कानून का नाम क्या, उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह कानून कब बना था, सन 1860 में, और ये घटना कब हुई थी, 1927 में। 1860 में अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, उसमें हर पुलिस अधिकारी को एक अधिकार दिया गया, उसका अंग्रेजी में नाम है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस का माने पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, हमला करने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार, ये सारे अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए गए, पुलिस को दिए गए, लेकिन जिसको पीटा जा रहा है उसको बचाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के बारे में जितना अध्ययन मैंने किया दो ही बातें मेरे समझ में आई, हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा,
कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका, उसका कर्तव्य करने से रोका। मतलब बिल्कुल सीधा है, कानून अंग्रेज पुलिस के समर्थन में था, भारत के क्रांतिकारियों के विरोध में था। तो सैंडर्स ने जब अदालत में ये बहस उठाई और उसने कहा कि मुझे तो कोई दंड नहीं हो सकता, मुझे तो कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कानून के आधार पर मैंने काम किया है, अब इसमें लाला जी का सिर फट गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो मेरी ड्यूटी निभाई थी, मेरा अधिकार है कि मैं उनके सिर पर लाठी बरसाऊं, लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं। जब इस तरह की बहस हुई तो भगत सिंह को बहुत क्रोध आया और इस बहस का अंतिम परिणाम क्या निकला, सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको कोई दंड नहीं हुआ। तो भगत सिंह ने फिर कसम खाई कि अब न्याय मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा, अंग्रेजी व्यवस्था से न्याय की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अपने हाथों से न्याय करने के लिए ही भगत सिंह ने अपनी एक टोली बनाई, जिस टोली में चंद्रशेखर आजाद उनके सहयोगी बने, भगत सिंह एक, राजगुरु एक, सुखदेव एक, चंद्रशेखर आजाद एक, ऐसी करके एक टोली तैयार हुई। इस टोली ने कसम खाई कि आज नहीं तो कल इस सैंडर्स को हम मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस सैंडर्स का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है, इसने आज एक लाला जी को मारा है सिर पर लाठी के, कल दूसरे लाला जी को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, और सारे देश में इसी तरह का माहौल अगर बना तो क्रांतिकारियों के तो जिंदा रहने का कोई स्थान नहीं बचेगा, इसलिए सैंडर्स को मरना बहुत जरूरी है। और इन्होंने एक दिन समय देखकर सैंडर्स को गोली मारी, भगत सिंह ने खुद गोली चलाई थी, और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया इस घटना के बारे में कि भगत सिंह को इतना क्रोध था मन में कि पहली गोली में ही सैंडर्स ढेर हो गया था, मर गया था, लेकिन भगत सिंह ने दो गोलियां और मारी थी उसकी छाती में अपने गुस्से को निकालने के। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि जो न्याय अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था से हमको नहीं मिला, वो न्याय लेने के लिए हमको हाथ में रिवॉल्वर उठानी पड़ी। ये कहानी है। अब इस कहानी का जो मूल है वो ये कि एक कानून बनाया अंग्रेजों ने जिसके आधार पर पुलिस को सारे अधिकार दे दिए और भारतवासियों के सारे अधिकार छिन गए। उस कानून का विरोध करने के लिए और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा, बदले में भगत सिंह को फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह को अपनी फांसी का कोई अफसोस नहीं था, उनका यही कहना था कि सारे भारत के नौजवानों को मैंने एक संदेश दे दिया है कि अगर अंग्रेजी सरकार से न्याय न मिले तो तुम भी मेरे रास्ते पर चल पड़ो, एक एक रिवॉल्वर उठाओ और इन अंग्रेजी अत्याचारियों को खत्म करते जाओ। ये संदेश उन्होंने पूरे देश को दे दिया। ये कहानी खत्म हो गई 1931-23 मार्च को, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसमें भी अंग्रेज सरकार की कायरता और निकम्मापन समझ में आया। आपको शायद ये जानकारी है या नहीं, भगत सिंह की फांसी की सजा 24 मार्च सवेरे 6 बजे की तय हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी और घबराई हुई थी कि एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो तीनों को एक साथ फांसी मिली थी, उनके मृत शरीरों को अंग्रेज सरकार ने किसी भी तरह अंतिम संस्कार कर देने का काम किया था। लेकिन कुछ भारत के उस जमाने के सहयोगी जो क्रांतिकारियों के थे, उनको पता चला तो उन्होंने भगत सिंह, उधम, ये शहीद आजम, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम शरीरों को हुसैनीवाला में लाकर सम्मान के साथ उनका संस्कार किया था, जहां तीनों समाधियां बनी हुई हैं। अब मूल प्रश्न पे मैं आता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के खिलाफ ये सारी दुर्घटना घटित हुई, तीन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, एक लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियां सहन करते हुए मरना पड़ा, वो कानून आजादी मिलते ही जला देना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है और उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश की पुलिस
अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। पहले क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करती थी, आज साधारण भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है। आज भी पुलिस की लाठियों से लोगों के सिर फटते हैं, टांगें टूटती हैं, पुलिस की गोलियों से लोग मरते हैं और इस देश के लोग बिना किसी बात के अपनी शहादत देते। तब मुझे मेरे मन से ये पूछने का दिल करता है कि क्या देश स्वतंत्र हो गया है, क्या आज़ादी आ गई है, क्या स्वराज्य की स्थापना हो गई है। अगर अंग्रेजी कानून 1927 में चलता था, 1860 में चलता था, 1947 तक चलता रहा, अब वो 2009 में भी चल रहा है, तो कैसे कहें आज़ादी आई है, कैसे कहें स्वतंत्रता मिली। अब तो बहुत अफसोस है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस थी जो लाठी मार करके भारतवासियों को लहूलुहान करती थी, अब काले अंग्रेजों की पुलिस हो गई है जो लाठी मार के भारतवासियों को लहूलुहान करती है। अंतर बस इतना ही है, पहले गोरे अंग्रेजों के आदेश पर होता था, अब काले अंग्रेजों के आदेश पर ये होता है, काम तो वही होता है। कई बार मेरा दिल रोता है, कई घटनाएं ऐसी होती हैं इस देश में। थोड़े दिन पहले एक घटना घटित हुई दिल्ली में, मैं टेलीविजन पे समाचार देख रहा था। एक दिन समाचार आया कि दिल्ली में कुछ अंधे लोगों की संस्थाओं ने अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक जुलूस निकाला। दिल्ली में एक स्थान है, उसका नाम है जंतर मंतर। आजकल सारे जुलूस जंतर मंतर पर निकलते हैं, वहीं खत्म हो जाते, उससे आगे जाने नहीं देते। तो जंतर मंतर पर अंधे लोगों की संस्था जिसका नाम है राष्ट्रीय अंध संस्था, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन, उनकी तरफ से जुलूस निकाला गया। अंधे लोग देख नहीं सकते, इसलिए हर एक अंधे व्यक्ति के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो आंखों से देख सकता था। वो अपनी कुछ छोटी सी मांग प्रस्तुत कर रहे थे सरकार के सामने। मांग क्या थी कि अंधे लोगों को रेलगाड़ी में या बस में जो टिकट पर थोड़ी छूट मिलती है, वो छूट उस सहयोगी को भी मिले जो उनके साथ चलता है। कोई बड़ी मांग नहीं थी, साधारण सी मांग थी। इस मांग को प्रस्तुत करने के लिए अंधे लोग इकट्ठे हुए और हमारे काले अंग्रेजों की पुलिस ने बर्बरता से लाठियां चलाई और 17 अंधे लोगों के सिर फट गए, उसमें लहू लुहान हो गए। क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं सकते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, ऐसी पुलिस की हमारी व्यवस्था है। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, क्या देश आजाद हो गया, क्या हम स्वतंत्र हो गए। कानून तो वही चल रहा है, व्यवस्था तो वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। एक और घटना सुनाता हूं आपको। एक बार इस हिंदुस्तान के कुछ विकलांग लोगों ने अपनी मांगों के लिए कुछ प्रदर्शन किया, जिनके पांव पोलियो ग्रस्त हैं। आप जानते हैं कि जिनके पांव पोलियो ग्रस्त होते हैं, वो हाथ से साइकिल चलाकर, रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो हाथ से साइकिल रिक्शा चलाकर सैकड़ों मील का सफर करके लोग इकट्ठे हुए अपनी मांगों के ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए। पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई, उनकी साइकिलें तोड़ी गई, उनके सिर फोड़े गए, उनकी टांगें तोड़ी गई। और एक घटना सुनाता हूं आपको। हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहां एक सरकार चला करती थी थोड़े दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी की। उस सरकार की मुख्यमंत्री थी विजया राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने राजस्थान में एक फैसला किया। फैसला क्या किया, गांव गांव में शराब की दुकानें खोली जाए। अद्भुत फैसला है ये। फैसला उस पार्टी की सरकार का है जो भारतीय संस्कृति की बात करते, भारतीय सभ्यता की बात करते, राष्ट्रीयता की बात करते। उनका फैसला, हर गांव में शराब की दुकान खोली जाए, हर व्यक्ति को शराब में डुबो दिया जाए, ये उनकी नीति और ये उनका फैसला। किसानों ने इसका विरोध किया और किसानों ने कहा कि हमको गांव में शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, हमको गांव में शराब नहीं चाहिए, हमें हमारे खेत को पानी चाहिए। तो हमारे खेतों को पानी मिले और हमको पीने का पानी मिले,
इसकी व्यवस्था सरकार करे तो वहां तक तो ठीक है, हमें शराब नहीं चाहिए पीने के लिए। परिणाम क्या हुआ, किसानों ने इस मांग के लिए अपनी रैली निकाली और वसुंधरा राजे सरकार ने उस रैली पर गोली चलाने का आदेश दिया। 14 किसान एक स्थान पर तत्काल मारे गए। ऐसी हमारी पुलिस व्यवस्था और ऐसी हमारी राज्य व्यवस्था। वसुंधरा राजे सरकार को कुर्सी से उतार कर के लोगों ने अहंकार और मद में चूर, अगर कोई मुख्यमंत्री इस मूर्खता के फैसले के साथ अपने आप को प्रस्तुत करे तो ऐसों को तो मुख्यमंत्री पहले बनना ही नहीं चाहिए, और बने तो कान पकड़कर उनको नीचे ही उतार देना चाहिए, उनको बिठाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। अब मुख्यमंत्री को तो कुर्सी से उतार दिया, उनकी पार्टी को उसका दंड मिल गया और वो दंड इतना पक्का मिल गया कि अब पार्टी में ही खदर बदर मच गई है। अब ये पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है पूरे देश के सामने। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो मूल बात पे आना चाहता हूँ वो ये कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, राष्ट्रीयता की बात करने वाली भी सरकारें पुलिस का वैसा ही इस्तेमाल करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। पुलिस उनके लिए वही है जो अंग्रेजों के लिए, गोली चलाने वाली, लाठी चलाने वाली, सिर तोड़ने वाली, पांव तोड़ने वाली। एक और उदाहरण देता हूं आपको। बंगाल नाम का एक राज्य है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है सिंगूर। सिंगूर गांव के किसानों से जमीनें छीनी गई जबरदस्ती। किसान जमीन देना नहीं चाहते, जबरदस्ती उनसे जमीनें छीनी गई। उन जमीनों को बचाने के लिए किसानों ने संघर्ष करना शुरू किया और अपने आप को पुलिस के सामने उन्होंने खड़ा पाया। तो बंगाल की सरकार ने भी पुलिस को वही आदेश दिया जो राजस्थान सरकार ने दिया था, गोली चलाओ, लोगों को मार डालो। 17 लोगों को एक दिन में मारा, 21 लोगों को दूसरे दिन में मारा और गोलियां चला चला कर लोगों को लहूलुहान कर दिया। बंगाल की पुलिस ने, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि कहते हैं, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उनके राज्य में भी पुलिस गरीबों को ही मारती है, सर्वहारा को ही मारती है। मतलब सीधा सा ये है, राजस्थान की पुलिस हो या बंगाल की पुलिस, चरित्र सबका एक ही है। बीजेपी के सरकार में ये दुर्घटना हो या कम्युनिस्ट सरकार में, चरित्र एक ही है, कानून एक ही है, व्यवस्था एक ही है, तरीके एक ही है। इसलिए मैं अपने आप से कई बार पूछ लेता हूं, क्या देश आजाद हो गया, क्या हमको स्वतंत्रता मिल गई? जब अत्याचारी कानून अंग्रेजों के जमाने के पुलिस का आज भी चल रहा हो, कैसे कहें कि देश आजाद हो? इसलिए मैं मानता हूं शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो कानून अभी भी जीवित है। लाला लाजपत राय ने जिस कानून के अत्याचार को सहते हुए अपनी जान दी है, वो कानून अभी तक जीवित है। और जब तक ये इंडियन पुलिस एक्ट नहीं बदला जाएगा, तब तक लाला लाजपत राय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और अब हम उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकेंगे। एक और उदाहरण से बात को समझाता हूं, देश कितना गुलाम है। अंग्रेजों के जमाने में एक अधिकारी आया, आपने किताबों में उसका नाम पढ़ा होगा, उसका नाम था डलहौजी। बहुत अत्याचारी, बहुत क्रूर। उसके अत्याचार और उसकी क्रूरता की कहानियां लिखी जाएं तो मोटे मोटे किताबों के पन्ने भर जाएंगे। इतने अत्याचार और इतनी क्रूरता उस आदमी ने निभाई। उसने क्या काम किया था इस देश में, जब वो आया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक बड़ा अधिकारी बन गया, तो उसने एक कानून बनवाया इस देश में। वो कानून लंदन की संसद से पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको सही शब्दों में कहना चाहिए, जमीन को छीनने का कानून, जमीन को लूटने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है,
जिसमें आप किसी की मर्जी से, किसी की इजाजत से चीज लेते हैं, वो अधिग्रहण होती है। आपने कोई खेत का टुकड़ा अपनी मर्जी से किसी को बेचा, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आपने बेचा, तो जिसको मिला वो कहेगा कि मैंने इस भूमि का अधिग्रहण आपसे किया। अधिग्रहण होता है इच्छा के साथ, अनुमति के साथ। लेकिन जबरदस्ती आप किसी से छीनते हैं, उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते, उसकी अनुमति की परवाह नहीं करते, तो वो अधिग्रहण नहीं होता, वो तो लूटना होता है, छीनना होता है। तो डलहौजी ने यही कानून बनाया, जमीन को लूटने का, छीनने का, नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के लागू होते ही डलहौजी ने एक नया काम शुरू किया। वो गांव-गांव जाता था और भारत के किसानों की जो पंचायतें होती हैं गांव की, उन पर एक नोटिस लगाता था। उस नोटिस में लिखा जाता था, इस गांव के जिस किसान के पास भी अपनी भूमि है, वो मेरे सामने आकर सिद्ध करे कि ये भूमि उसकी है। डलहौजी के सामने किसान आते थे, वो कहते थे ये जमीन हमारी है। डलहौजी पूछता था कैसे है, तो कहता था, किसान कहते थे हमारे पिताजी ने दी, पिताजी को उनके पिताजी ने दी, उनको उनके पिताजी ने दी। हमारे यहाँ जमीन का हस्तांतरण करने का तरीका यही है, वारसा से हमारे यहाँ जमीन इसी तरह से हस्तांतरित होती आई है। तो डलहौजी उनसे कहता था, कागज दिखाओ, तुम्हारे पास कोई कागज है सबूत का? कागज कौन रखता था इस देश में? यहां तो मुंह से निकली हुई बात कागज से ज्यादा पक्की मानी जाती थी। इस देश में जब तक कागज के चलन की व्यवस्था नहीं थी, मुंह से निकली गई बात कागज से पक्की मानी जाती थी, और उस मुंह से निकली हुई बात के लिए साम्राज्य चले जाया करते थे। लोग अपनी बात की रक्षा करने के लिए इतने प्राणपण से काम किया करते। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई आपने सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया, बस बात खत्म हो गई। कागज क्या होता है, उस पे तो कभी भी कुछ लिखा जा सकता है। आज एक लाइन लिखी है, उसके नीचे दूसरी लाइन लिख सकते हैं जो बिल्कुल उसके उल्टी है, और कागज का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन डलहौजी कहता था, नहीं कागज दिखाओ। कागज किसी के पास होता नहीं था, तो डलहौजी एक ऐलान करता था कि आज से ये जमीन अंग्रेज सरकार की है, और किसानों से जमीनें छीनकर अंग्रेजी सरकार को दे दी जाती थी। मैंने डलहौजी के समय का सारा इतिहास पढ़ा, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए, 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी थी डलहौजी ने। डलहौजी की पुलिस और डलहौजी का पूरा प्रशासन एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनता था। एक एक दिन गांव गांव उनकी अदालतें लगती थी और जमीनें छीनने का ऐलान होता था। 10 करोड़ किसान इस देश में भूमिहीन हो गए डलहौजी की नीति के चलते। डलहौजी के जिस कानून के चलते भारत के 10 करोड़ किसान भूमिहीन हो गए, डलहौजी का बनाया हुआ वो कानून आजादी के 62 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वो बदला नहीं गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी भी इस देश में चल रहा है, और आज भी इस देश की सरकारें डलहौजी के तरीके से ही किसानों से जमीनें छीन रही हैं। किसानों की लाखों एकड़ जमीनें सरकार के कब्जे में जा रही हैं, और सरकार के एजेंट उन जमीनों का सौदा कर रहे हैं। किसानों से जमीनें खरीदी जा रही हैं 15 पैसे स्क्वायर फीट में, और दलालों को और पूंजीपतियों को बेची जा रही है 1500 रुपए स्क्वायर फीट में। आप जानते हैं, रोज अखबार आप पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं। इस देश में सरकार की कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं। एक व्यवस्था चल रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए इस देश में, SEZ बनाया जाए। उसके लिए गांव की जमीन को नोटिफाई किया जाता है, 40 गांव की जमीन, 50 गांव की जमीन, 100 गांव की जमीन एक साथ सरकार छीन लेती है। रातों रात नोटिस आता है, और भारत देश का कलेक्टर नाम का अधिकारी जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, आज भी है, वो गांव की पंचायत को नोटिस थमाता है और कहता है कि ये गांव खाली कर दो, क्योंकि आपकी जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमें चाहिए। लाखों एकड़ जमीनें पिछले 15 वर्षों में किसानों से छीनी गई हैं इस देश में। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन, एक हेक्टेयर में आप जानते हैं करीब करीब 5 एकड़ होता है, तो 25 लाख हेक्टेयर
25 से 30 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन किसानों से छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दी गई है कौड़ी के भाव में। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है। मेरे जिले के नजदीक में दादरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस दादरी कस्बे के 170 गांव से हजारों एकड़ जमीन किसानों की छीनकर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेची। ऐसे बेची कि सरकार धीरूभाई अंबानी की कंपनी की एजेंट बन के काम करती। किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, और लाठियां बरसाकर गोलियां चलाकर जबरदस्ती जमीनें छीनकर रिलायंस को बेची गई। क्या करेगा रिलायंस? उस समय कहा गया कि वो एक कारखाना बनाएंगे, बिजली बनाने का कारखाना लगाएंगे। मेरे जैसे आदमी ने उस कारखाने का हिसाब निकाला तो पता चला 250 एकड़ जमीन में वो कारखाना आराम से लग सकता है। उसके लिए 50-60 हजार एकड़ जमीन की कोई जरूरत नहीं है, तो इतनी जमीन क्यों ली गई? जब आरटीआई एक्ट में हम लोगों ने इस मामले को डाला, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डाला, तो पता चला कि वहां कोई बड़ा शहर बनेगा रिलायंस का। वो जमीन किसानों से 15 पैसे स्क्वायर फिट में ली गई है, वो शहर बनने के बाद 15,000 रुपए स्क्वायर फिट में बेची जाएगी। बीच का मुनाफा रिलायंस खाएगा। रिलायंस के बाप की जमीन नहीं, उसके दादों की जमीन नहीं, जमीन हमारे किसान की है, मजदूर की है, लेकिन मुनाफा रिलायंस की तिजोरी में जाएगा। ऐसे हमारे देश में सरकारें काम करती हैं, कभी रिलायंस के लिए, कभी टाटा के लिए, कभी कोलगेट के लिए, कभी हिंदुस्तान लीवर के लिए। पहले हमारी सरकारें काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब सरकारें काम करती हैं रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी के लिए। कैसे कहें देश आजाद हो गया, कैसे माने स्वतंत्रता आ गई इस देश में? किसानों की जमीनें तो आज भी छिन रही हैं इस देश में। और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं, जिस गांव की जमीन को सरकार छीन लेती है उसके बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? एक चालाकी हमारे देश के काले अंग्रेजों ने की। जब संविधान बनाया तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, संविधान के 9वें अनुच्छेद में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हर किसान तड़पता है, बिलखता है, जमीन एक बार उसके हाथ से जाती है तो वापस नहीं आती, बेघर हो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस देश के किसानों के साथ ये व्यवहार होता है। तो डलहौजी का लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर आजादी के 62 साल में भी चले तो कैसे कहें कि देश आजाद हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि डलहौजी मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई है जो किसानों से जमीनें छीन गए। सैंडर्स मरा नहीं है, उसकी आत्मा पुलिस अधिकारियों में प्रवेश कर गई है जो हमारे लोगों के सिर फोड़ रहे हैं। आजादी आई नहीं है, अधूरी आई है, स्वतंत्रता मिली नहीं है हमको अभी। और एक उदाहरण देता हूं आपको, हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया सन 1860 में। उस कानून का नाम रखा गया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यहां जो कोई वकील मित्र बैठे होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा। आईपीसी बनाया अंग्रेजों ने। जिस अंग्रेज ने आईपीसी की ड्राफ्टिंग की उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। इसने हिंदुस्तान में आकर दो ही सत्यानाशी काम किए, एक तो शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी हमारी जो गुरुकुल पर आधारित थी, मातृभाषा आधारित थी, दूसरी न्याय व्यवस्था को हमारे खत्म कर दिया इस मैकॉले ने। मैकॉले ने जब आईपीसी की ड्राफ्टिंग की तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि आपने भारत के लिए जो कानून बनाया है इंडियन पिनल कोड, उसके बारे में जरा बताइए। तो मैकॉले ब्रिटिश संसद में बयान दे रहा है और कह रहा है कि मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, हम अंग्रेजों ने आयरलैंड नाम के देश को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाया था 10वीं शताब्दी में, वही कानून मैंने भारत को गुलाम बनाने के लिए बना दिया है 17वीं शताब्दी में। अंतर इतना ही है कि वो कानून था आयरिश पीनल कोड, आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए, मैंने आयरिश का कर दिया है इंडियन पीनल कोड, भारत को गुलाम बनाने के। आयरलैंड की गुलामी के लिए 10वीं शताब्दी में बनाया गया आयरिश पीनल कोड,
अब भारत की गुलामी के लिए वही कानून बना दिया 17वीं शताब्दी में, इंडियन पीनल कोड। और मैकॉले बयान देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जब जब भारतवासियों को इंडियन पीनल कोड के आधार पर न्याय देने की कोशिश की जाएगी, न्याय इनको कभी भी नहीं मिलेगा, हर बार इनके साथ अन्याय ही होगा, और जो समाज गुलाम बनाया जाता है उसको अन्याय ही करना पड़ता है, न्याय देकर उसको गुलाम नहीं बना सकते। तो भारत के लोगों को अन्याय देने के लिए कानून बनाया है इंडियन पीनल कोड। मैकॉले एक बयान दे रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कह रहा है कि मैंने इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजन लिखे हैं, जो अनुच्छेद लिखे हैं, वो इतनी जटिल अंग्रेजी में लिखे हैं कि अच्छे से अच्छे भारतवासी समझ नहीं सकते, जिंदगी भर पढ़ते रहे उसको। तो मेरे बहुत सारे वकील मित्र हैं जो ईमानदारी से मुझे कहते हैं, राजीव भाई हम किसी भी कानून को पढ़कर समझ सकते हैं, आईपीसी कभी समझ में नहीं आता, गोल गोल जलेबी जैसी भाषा है, और इतनी गोल गोल जलेबियां बनी हैं कि पहला वाक्य पढ़ना शुरू करो तो अंतिम भूलता है, अंतिम तक पहुंचो तो सारा पहला साफ हो जाता है, अब क्या न्याय मिलेगा उसके आधार पर। एक और कानून बनाया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक और कानून बनाया सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इन तीनों कानून के आधार पर हमारी अदालतें चलती हैं आजादी के 62 साल के बाद भी। आईपीसी में हमारे देश की आजादी के बाद थोड़ा भी संशोधन नहीं हुआ, सीआरपीसी में नहीं, सीपीसी में नहीं, और थोड़े बहुत संशोधन हुए तो मामूली से हुए, वो वही हुए जो अंग्रेजों वाले संशोधन है, भारतीय तरीके के संशोधन नहीं हुए। अब दुष्परिणाम यह है कि इन तीन कानूनों के आधार पर पूरी जो व्यवस्था भारत में चल रही है, इस व्यवस्था में 10 करोड़ लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, चप्पलें घिस रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा। 3 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे में एक वादी और एक प्रतिवादी हो तो 7 करोड़ लोग फैसले के लिए भटक रहे हैं, इनको न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक एक मुकदमा चलते हुए 40 साल, 50 साल, 55 साल हो गए, तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है, न्याय मिलने की आशा उनकी धूमिल होती जा रही है। एक बार मैंने भारत देश के एक पूर्व न्यायाधीश, उनको प्रश्न किया था और उनको पूछा था कि आपके अदालतों में जो 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इनका फैसला कब तक आ जाएगा? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने मुझे कहा कि जब तक ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी अंग्रेजों वाले ही चलते रहेंगे और इनमें कोई संशोधन नहीं होगा, तब तक मुकदमों का फैसला 350 से 400 साल में आएगा। मतलब सीधा सा है कि ना वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा, दोनों ही मर जाएंगे, वकीलों के घर भरते चले जाएंगे, उनकी जेबें भरती चली जाएंगी, मुकदमों का फैसला नहीं आएगा, क्योंकि मुकदमे जिस कानून के आधार पर निपटाए जा रहे हैं वो कानून ही नहीं है फैसला देने के लिए। मैंने तो एक बार बहुत क्रोध में एक न्यायाधीश महोदय को कहा था कि आप अपने को न्यायाधीश मानते हैं? कहने लगे हम मानते तो नहीं है, लोग हमको न्यायाधीश कहते हैं, हम नहीं मानते। मैं पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम न्याय देते नहीं तो न्यायाधीश हैं कहां, और उन्होंने ईमानदारी से यह स्वीकार किया था, उन्होंने कहा कि हम न्याय नहीं देते, हम तो मुकदमों का निपटारा करते हैं, केस को डिसाइड करते हैं, मुकदमे का निपटारा होना एक अलग बात है, न्याय मिलना बिल्कुल दूसरी अलग बात है, न्याय कुछ और चीज होती है, मुकदमे का निपटारा कुछ और चीज होती है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं मुकदमे का निपटारा और न्याय का अंतर क्या है। हमारे देश में एक कानून है और अंग्रेजों के जमाने का है, वो आज का नहीं, और ऐसे हमारे देश में 34,000 से ज्यादा कानून है। उस कानून का नाम है क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, पशुओं के खिलाफ क्रूरता अधिनियम। ये कानून क्या कहता है, गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, ये कानून कहता है, गाय को डंडे से मारो, उसको प्रताड़ित करो तो जेल हो जाएगी आपको, लेकिन हमारे देश में उसी गाय को गर्दन से काट दो और उसके मांस की बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको।
आप जरा सोचो, डंडे से गाय को पीटे तो जेल में चले जाएं, लेकिन गर्दन काट दें उसकी और उसके मांस की एक एक बोटी को बेच दें तो कुछ ना हो हमारे खिलाफ। अब ऐसी स्थिति के कानून हो तो आप बताओ न्याय क्या मिलेगा। न्याय तो ये कहता है कि जिस गाय को आप जन्म नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। और गाय को क्या, इस पूरे प्राणी जगत में, जीव जगत में किसी भी जीव को मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। सभी जीव वैसे ही जिंदा रहने चाहिए जैसे आप जिंदा रहते हैं, न्याय तो ये कहता है। लेकिन कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि डंडे से मत मारो, गर्दन से काटो उसको, ये कानून कहता है। तो कानून और न्याय में बड़ा अंतर होता है। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में एक कानून है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डालो तो गर्भपात है वो, और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है। हत्या में 302 का केस बनता है, फांसी की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है, और गर्भपात में कोई फांसी की सजा नहीं होती, कोई आजीवन कारावास किसी को नहीं होता। हत्या तो दोनों ही है। आपने बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है, जन्म लेने के बाद आपने मारा तो भी हत्या है। एक हत्या को गर्भपात कहते हैं, दूसरे को हत्या कहते हैं। एक में सजा फांसी की है और आजीवन कारावास की है, दूसरे में साधारण सजा है। इसलिए इस देश में हर साल 1 करोड़ बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या उनकी कर दी जाती है। और उसी का दुष्परिणाम है कि पुरुषों के बाद महिलाओं की संख्या तेजी से घटती जाती है। 1000 पुरुष इस देश में हैं तो अब महिलाएं 850 रह गई हैं। किसी दिन ऐसा होगा 1000 पुरुष होंगे, महिलाएं 500 रह जाएंगी। कौन सा समाज बनेगा, कौन सा देश बनेगा, कौन सी सभ्यता बनेगी, आप सोचो। कानून तो ये है, जन्म लेने के पहले मार डालो गर्भपात, जन्म लेने के बाद मार डालो हत्या। अगर दोनों को ही हत्या परिभाषित कर दिया जाए तो जन्म लेने से पहले मारने वालों को भी फांसी होने लगे तो इस देश में भ्रूण हत्या तत्काल रुक जाए और इस देश में बहनों की हत्या तत्काल रुक जाए। मुझे तो ये अफसोस होता है कि जिन 1 करोड़ बेटियों को गर्भ में हर साल मार दिया जाता है, पता नहीं कितनी बेटियां उसमें झांसी की रानी बन सकती हैं, कितनी बेटियां झलकारी बाई बन सकती हैं, कितनी बेटियां कित्तूर चनम्मा बन सकती हैं, कितनी बेटियां इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं जैसे कि बेटे करते। सबको रोक देते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी। इसलिए मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि इस देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है। और कानून मूर्खता के बने हुए हैं तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश में। एक और उदाहरण देता हूं कानून और न्याय का। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डालो तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है। और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। अब मुझे आप बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने किसी को कुचल दिया या गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने उसको मार दिया, हत्या तो दोनों ही मैंने की है, एक हत्या में 2-3 साल की सजा और एक हत्या में 14 साल की सजा, ये कौन सा न्याय है? दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है, इस देश के बिगड़ेल बापों के बेटे जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंध शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं। उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस अभी हमारे देश में ऐसा ही आया था, एक बिगड़ेल बाप का बेटा, उसका नाम है संजीव नंदा, उसने दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाई थी, एक झटके में 8 लोगों को मार दिया था, अदालत ने उसको छोड़ दिया था। मोटर व्हीकल एक्ट। एक दूसरा बिगड़ेल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान, उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है
पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। जब इस कानून का इतिहास जानने की मैंने कोशिश की तो पता चला अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज मोटरें चलाया करते थे, गाड़ियां उन्हीं के पास हुआ करती थी और अक्सर उनकी मोटर के नीचे आके भारतवासी कुचल कर मर जाया करते थे, तो किसी अंग्रेज को फांसी ना लगे उसके लिए इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई थी। वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था आज भी चल रही है और काले अंग्रेजों के लिए फल और फूल रही है और हम भारतवासियों की छाती पर मूंग दल रहे। ऐसी देश की व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं देश आजाद हुआ कहां, स्वतंत्रता आई कहां। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानून ऐसे के ऐसे ही चल रहे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सन 1860 में इस देश में, उस कानून का नाम रखा है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, आपकी आमदनी पर कर लेने का कानून। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत से यह शुरू हुआ, आमदनी पर कर लेने का कानून, इनकम पर टैक्स लेने का कानून। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने बहुत ढूंढा, कोई एक राजा ऐसा नहीं मिला जिसने कभी इनकम पर टैक्स लगाया। इस देश में तो ऐसे राजा हुए जो कहा करते थे कि इनकम को कभी भी टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाना है तो खर्चे पर लगाओ, एक्सपेंडिचर पर लगाओ। एक महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। संयोग से वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक व्यवस्था की कि किसी पर कोई कर नहीं होगा। ये उनकी फिलॉसफी थी। उनका कहना था कि जिस राज्य की प्रजा पर कर ज्यादा होता है वो राज्य भिखारी होता है। वो कहते थे कर लगा के राजा के हाथ में ज्यादा पैसा देना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देना है। राजा का दिमाग कब खराब हो जाए और कब आपके दिए गए कर को वो बर्बाद करना शुरू कर दे आप क्या करेंगे। इसलिए कहते थे पैसे लोगों के हाथ में रहने चाहिए, समाज के पास रहने चाहिए, राजा के पास कम से कम पैसे आने चाहिए, इसलिए कर कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जितने साल चाणक्य इस देश के प्रधानमंत्री रहे भारत दुनिया में सोने की चिड़िया जैसा देश था, क्योंकि लोग संपन्न थे, लोगों के पास संपत्ति थी, क्योंकि लोगों का पैसा सरकार के हाथ में नहीं जा रहा था। तो लोग संपन्न थे, लोगों के हाथ में संपत्ति थी, पैसा लोगों के पास था, समाज के पास था। चाणक्य के रास्ते पर जो जो राजा इस देश में चला, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे समुद्रगुप्त, जैसे हर्षवर्धन, ऐसे बीसियों राजा थे जिन्होंने चाणक्य की फिलॉसफी को अपनाया और उन्होंने कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। परिणाम यह हुआ कि जिस जिस राजा ने टैक्स नहीं लिया हरेक राजा के राज्य की प्रजा सुखी थी, संपन्न थी, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था और भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में कानून बनाया और इनकम पर टैक्स लगाया और 1860 में यह कानून पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। जब यह कानून ब्रिटिश संसद ने पारित किया तो इस पर बहुत बहस हुई और उस बहस के सारे दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट से मैंने निकाले और उनका जब अभ्यास किया तो चित्र कुछ और ही दिखाई दिया। अंग्रेजों ने यह कानून क्यों लगाया, क्या जरूरत थी इस कानून को लगाने की, पता ये चला कि 1860 से 3 साल पहले 1857 में क्रांति हुई थी इस देश में। उस क्रांति को हम आजादी का पहला संग्राम मानते हैं। अंग्रेज उसको सैनिक विद्रोह कहा करते थे, हम उसको आजादी का पहला संग्राम मानते थे। उस क्रांति में नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने एक बड़ा समूह बनाया था, बहुत बड़ा संगठन तैयार किया और ये संगठन बनाने का काम 1856 से शुरू हुआ था। बिठूर नाम के गांव में कानपुर के पास पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में 4 लोग शामिल हुए थे, नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, अजी मुल्ला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन चारों ने मिलकर तय किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी संग्राम की स्थिति बनानी चाहिए देश में। तो तय हो गया,
संगठन के लिए गांव-गांव घूमना शुरू किया। एक साल में संगठन इतना बड़ा हो गया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 350 स्थानों पर समूह तैयार हो गए क्रांति के लिए। और इन सब ने मिलकर एक तारीख तय की, 31 मई 1857 को एक साथ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जाएगी और अंग्रेजों का शासन उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जब ये तय हो गया और उसके लिए प्रयास शुरू हुआ, उसी समय एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना क्या घटित हो गई? भारत देश में एक अमर शहीद हुए, उनका नाम था मंगल पांडे। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। बैरकपुर की छावनी में उनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ने किया क्या था? उनको एक दिन ये पता चला कि अंग्रेजों की सेना में काम करते हुए जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर गाय की चर्बी लगी होती है। उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल ह्यूसन के साथ संपर्क किया और पूछा कि क्या ये बात सच है कि कारतूस पर गाय की चर्बी लगी होती है। ह्यूसन ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये क्या बात है, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, एक जवाब दीजिए, या तो ये सच है या तो ये झूठ है। ह्यूसन ने जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे ने अपनी गोली से ह्यूसन को ढेर कर दिया, मार डाला। फिर ह्यूसन जैसा एक दूसरा अधिकारी था, उसने मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की। दूसरी गोली मंगल पांडे ने उनको उतार दी। बंदूक में दो ही गोली आती थी, दोनों उन्होंने उतार दी। दो गोली और भरने के लिए जब तक कोशिश कर रहे थे, तब तक कुछ अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा चला। 10 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा सुनाई गई। मुकदमा 29 मार्च से शुरू हुआ था, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। जिस बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी हुई, उस बैरकपुर की छावनी के 1100 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपनी वर्दियां उतार दी, टोप उतार दिए और बैरकपुर से थोड़ी दूरी पर गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में जाकर उन्होंने हाथ में गंगा जल उठाया और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दी है, उन अंग्रेजों को अब हम भारत से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर ये 1100 सैनिक गांव-गांव फैल गए, 5-5, 7-7 के समूह बना दिए। गांव-गांव में इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया और अंग्रेज कैसे गाय पर अत्याचार कर रहे हैं वो कहानी घर घर सुनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उस जमाने में कुछ कत्ल खाने खोले हुए थे, जहां हजारों गायों का कत्ल होता था, उनका मांस अंग्रेज खाया करते थे और हिंदुओं को चिढ़ाया करते थे। ये बात फैलती गई, गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय हमारे लिए पवित्र है, हम उसका कत्ल होते देख नहीं सकते, कोई भी सामान्य भारतवासी नहीं देख सकता। तो भारतवासियों का खून उबलने लगा और धीरे धीरे क्रांति के लिए माहौल बनने लगा। ये माहौल एक दिन फट गया। 10 मई 1857 को मेरठ में कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घर में जिंदा जला दिया और वहां से चिंगारी भड़क गई। 10 मई को मेरठ में अंग्रेज जले, 11 मई को दिल्ली में जलाए गए, फिर 12 मई को बरेली में, शाहजहांपुर में, फिर सहारनपुर में, फिर रुड़की में, फिर हरिद्वार में, अलीगढ़ में, इटावा में, मेरठ में, उसके बाद एटा में, पूरा 350 नगरों का काफिला जहां अंग्रेजों के घर धू धू करके जल गए। बहुत सारे अंग्रेज जलकर मर गए। जो अंग्रेज भागने की कोशिश कर रहे थे उनको भारतवासियों ने गले से काट दिया, हसियों से काट दिया, गड़ासों से काट दिया। इस 1857 की क्रांति में सारे देश में 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए। 4 महीने में, सिर्फ मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। कहीं भी देश में यूनियन जैक नहीं था, हर जगह पर भारत देश का झंडा था, हर एक रियासत इस देश की आजाद हो गई। इस पूरी लड़ाई में 4.5 से 5 करोड़ भारतवासियों ने भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ। कितनी बड़ी लड़ाई थी आप अंदाजा लगाइए कि 4.5 करोड़ भारतवासी अगर हसीये से भी लड़ रहे हों, तलवारों से भी लड़ रहे हों, तो 4.5 करोड़ हसीये बनाने के लिए लोहा लगा होगा,
उस लोहे को लगाने के लिए हजारों मीट्रिक टन कच्चा लोहा लगा होगा, उस कच्चे लोहे को गलाने के लिए हजारों भट्टियां बनी होंगी, उन भट्टियों में लोहा गलाने का काम किसी ने तो किया होगा। और मैंने जब इतिहास ढूंढा तो पता चला कि हजारों हजारों टन कच्चे लोहे से हसिया बनाना, कच्चे लोहे से तलवार बनाना, बंदूकें बनाना, नाल बनाना, ये जिन लोगों ने किया उनको हम इस देश में बंजारा जाति के लोग कहते हैं, जो गांव गांव गली गली अपना एक छोटा सा आशियाना बनाकर रहते हैं, जो अपना पक्का घर कभी नहीं बनाते, किसी भी शहर के गांव के बाहर बस जाते हैं, उनकी एक छोटी सी बैलगाड़ी होती है, उसी में उनकी पूरी जिंदगी ढोती है, वो कहीं भी बैलगाड़ी खड़ी होती है वहीं गांव बस जाता है, थोड़े दिन वो रहते हैं फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं। एक बार ये बंजारा जाति के लोगों से मैंने पूछा, आप अपना घर बना के पक्का क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने जवाब दिया मुझे, उन्होंने कहा, हमारे राजा ने जब अपनी जिंदगी में कभी अपना घर नहीं बनाया तो हम कैसे बना सकते। तो मैंने आपसे उनसे पूछा, आपका राजा कौन था? उन्होंने कहा, महाराजा राणा प्रताप हमारे राजा थे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने लिए घर नहीं बनाया, हम कैसे बना सकते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं और हम तब तक अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे जब तक हमारे राजा के प्राण वापस हम में किसी में नहीं आते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसे बंजारा जाति के लोग, करोड़ों टन उन्होंने लोहा गलाया, हसिया बना के दिया, तलवार बना के दी, बंदूकें बना के दी। फिर मन में प्रश्न आता है कि कच्चा लोहा लाने के लिए पैसे लगे होंगे, वो पैसे कहां से आए, किसी ने पैसे दिए होंगे? तो समाज के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने पैसे दिए। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि 1857 की क्रांति में 480 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और उस जमाने के 480 करोड़ रुपए को आज अगर आप गिनना चाहें तो 300 से गुणा करना पड़ेगा, इतनी बड़ी रकम व्यापारी और उद्योगपतियों ने दान में दी। तो अंग्रेजों की संसद में बहस ये हुई कि आखिर इतना पैसा भारतवासियों के पास आया कहां से। तो भारतवासियों ने कहीं से ये कमाया, लूट के तो नहीं लाया, और वो कमाने का तरीका ये था कि 3000 साल से भारत के व्यापारी और उद्योगपति दूसरे देशों में अपना माल बेचने के लिए जाया करते थे और बदले में सोना और चांदी कमा कर लाया करते थे। भारत का कपड़ा बिकता था दूसरे देशों में, आपने कभी सुना होगा, ढाका की मलमल बनती थी, सूरत की मलमल बनती थी। मलमल का 15 मीटर का एक थान होता था, वो इतना नरम और मुलायम होता था कि तह बनाते बनाते आप एक माचिस की डिब्बी में उसको रख सकते थे। 15 मीटर का कपड़े का थान एक अंगूठी के छल्ले में से पूरा खींच कर निकाल सकते थे, इतनी बारीक बुनाई इस देश में हुआ करती थी। और वो कपड़ा बेचने जब भारत के लोग दुनिया भर में जाया करते थे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वो कपड़ा तराजू के एक पलड़े में रखा जाता था और उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े में रखा जाता था, सोने के बदले में हम अपना कपड़ा बेचते थे। हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया इस देश, हमने लोहा बेचकर सोना कमाया इस देश। 36 तरह की वस्तुएं भारत की जाती थी बिकने के लिए, उसमें से सोना चांदी बह बहकर भारत में आता था, और 3000 साल भारत निर्यातक देश था दुनिया का, 33% से ज्यादा निर्यात भारत किया करता था दुनिया में, 27% से ज्यादा दुनिया की आमदनी थी इस देश की, उस कारण से देश सोने की चिड़िया हो गया था। तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सारी बात बताई गई कि भारतवासियों के पास धन और संपत्ति कहां से आया, तो अंग्रेजों ने तय किया कि भारतवासियों के पास अब धन छोड़ना नहीं चाहिए, वरना यह धन अगर भारतवासियों के पास रहेगा दोबारा फिर क्रांति होगी, तीसरी बार फिर क्रांति होगी और हम तो भारत में राज नहीं कर पाएंगे। तो भारतवासियों का सारा धन छीन लेना चाहिए, इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और कानून में व्यवस्था ये की गई कि 100 रुपए किसी भारतवासी के पास हैं आमदनी के तो 97 रुपए उससे छीन लिए जाएं, इनकम टैक्स 97% लगाया गया। फिर उससे अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ, अंग्रेजों की संसद ने और एक फैसला किया कि भारत का उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान का उत्पादन कर रहा है तो उसके उत्पादन पर भी कर लगाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी, वो 350% उन्होंने लगाई। फिर उन्होंने एक और फैसला किया
कि अंग्रेजों के देश भारत के व्यापारी अगर कोई माल बेचते हैं उत्पादन करके, तो बेचने पर कर लगाना चाहिए, टैक्स, उसको सेल्स टैक्स कहा। मुनाफा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स, बेच रहे हैं तो सेल्स टैक्स, उत्पादन कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी, माल को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जा रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। उद्देश्य एक ही था, लूटना है भारतवासियों का पैसा। अब अंग्रेज ये सारा पैसा लूट लूट कर भारतवासियों से लंदन ले जाने लगे, और इस देश की टैक्स व्यवस्था के चलते 100 साल के अंदर भारत सोने की चिड़िया से कंगाल देश बन गया, भिखारी देश बन गया। मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि गोरे अंग्रेज जब इस देश पर टैक्स लगाकर माल लूटते थे, पैसा लेते थे, लंदन लेके जाते थे और लंदन में जमा करते थे, तो लंदन अमीर होता गया, भारत गरीब होता गया, इंग्लैंड अमीर होता गया, भारत गरीब होता गया। तो भारत के क्रांतिकारियों ने सपना देखा, एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे तो अंग्रेजों का टैक्स कानून भी चला जाएगा, भारत के लोगों की लूट भी बंद हो जाएगी, भारत फिर से समृद्धशाली और संपत्तिवान देश हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों के चले जाने के बाद काले अंग्रेजों के हाथ में इस देश की सत्ता आई, टैक्स के कानून वही के वही इस देश में लगाए गए, एक भी टैक्स काले भारतवासियों ने हटाया नहीं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को और लंदन ले जा रहे थे टैक्स का पैसा, अब इन काले अंग्रेजों ने 62 साल इस देश को लूटना शुरू किया और पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करना शुरू किया। लूट की तो दोनों ही व्यवस्थाएं इस देश में चल रही, कैसे कहें कि देश आजाद हो गया। अंग्रेज लूटते थे एक साल में 70,000 करोड़, ये अंग्रेजों की संसद के आंकड़े हैं। एक साल में टैक्स लगाकर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स, 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे, एक साल में 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते थे लंदन। अब इन काले अंग्रेजों ने इस देश में आजादी के 62 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं और हर साल 20 लाख करोड़ रुपए देश से लूट रहे हैं, और लूट कर ये धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रहे हैं, नेताओं के घर भर रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं। ऐसी लूट की व्यवस्था जिस देश में चल रही है उसमें हम कहते हैं लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है कि लूट तंत्र है? इस देश के नेताओं को मैं पूछता हूं कि आप 64 तरह के टैक्स क्यों लगाते हैं इस देश के ऊपर? अंग्रेज 23 लगाते थे, आपने 64 टैक्स लगा दिए। करना तो ये चाहिए था कि अंग्रेजों के सारे टैक्स खत्म हो जाने चाहिए थे। तो काले अंग्रेज मुझे जवाब देते हैं कि देश का विकास करना है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। तो फिर इन काले अंग्रेजों से पूछता हूं, 62 साल में कितना विकास हो गया है देश का, जरा बताइए। आजादी के 62 साल में क्या विकास हुआ है? मैं आपको सरकार के आंकड़े बताता हूं। आजादी जब मिली 1947 15 अगस्त को, तो इस देश में 4,50,00,000 लोग गरीब थे। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, इस सरकार ने एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन। उस कमीशन ने 5 साल इस देश में सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद बताया कि 84 करोड़ भारतवासियों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, इसलिए वो सब गरीबी की रेखा के नीचे है। आजादी आई थी तो 4.5 करोड़ गरीब थे, आजादी के बाद 84 करोड़ गरीब हो गए, गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश में। काले अंग्रेजों को मैं पूछता हूं, गरीबी इतनी क्यों बढ़ गई इस देश में? तो मूर्ख बनाने वाला उत्तर देते हैं, और वो समझते हैं कि जैसे मैं तो मूर्ख बन जाऊंगा। वो मुझे उत्तर देते हैं, नेता इस देश के, वो कहते हैं जी आबादी बढ़ गई इस देश की इसलिए गरीबी बढ़ गई। फिर मैं उनसे कहता हूं, अच्छा बताओ आबादी कितनी बढ़ गई? हम आजादी के समय 32 करोड़ थे, अब आबादी में 115 करोड़ हो गए, हमारी आबादी लगभग 3.5 गुनी बढ़ गई, या मान लो 4 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 4 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी 16 करोड़ होनी चाहिए, ये 84 करोड़ कहां से हो गई?
तब वो जवाब नहीं देते, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ इसका उत्तर मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आज़ादी के 62 साल में इस देश के लोगों की लूट 21 गुना बढ़ गई, इसलिए गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश। कितनी लूट हो रही है इस देश की। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में संसद भवन में ये बताया कि जब एक रुपया मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से भेजता हूँ तो उस गरीब आदमी के पास सिर्फ 15 पैसा पहुँचता है। ये 1984 में कहा। अब 2009 आ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब दिल्ली से एक रुपया जब चलता है गरीब आदमी के लिए तो शायद गरीब आदमी तक 10 पैसा भी नहीं पहुँचता है। लूट का 90 पैसा नेताओं की जेब में और अधिकारियों की जेब में चला जाता है। ये मैंने नहीं कहा, राजीव गांधी ने कहा। और राजीव गांधी के कहे हुए को कोई प्रधानमंत्री माई का लाल अभी तक झुटला नहीं सका। एक भी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कहे कि राजीव गांधी ने गलत कहा। सब प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं लूट होती है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक रुपए में 90 पैसे की लूट अगर इस देश में हो रही है तो आपके दिए गए टैक्स के पैसे के 90% की लूट हो रही है। यह सीधा सा मतलब है। और हम टैक्स का कितना पैसा देते हैं? केंद्र सरकार को एक साल में 6.25 लाख करोड़ देते हैं, 31 राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ देते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलाकर, राज्य सरकार को मिलाकर, केंद्र सरकार को मिलाकर 20 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं। केंद्र सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, राज्य सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, जिला सरकारें अलग योजना बनाती हैं गरीबी दूर करने की, और यह गरीबी ही दूर नहीं होती इस देश में। मैंने तो जब अभ्यास किया तो पता चला गरीबी तो नेताओं की दूर हो रही है और अधिकारियों की दूर हो रही है, आम आदमी की नहीं। नेता और अधिकारी जो लूट रहे हैं वो अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं। मैंने इस देश के कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाई है। अब वो जन्म कुंडली नहीं जो ज्योतिष वाले बनाते हैं, वो मुझे नहीं आता। मैंने जन्म कुंडली बनाई है वो ऐसी कि 20 साल पहले जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी आज उनके पास कितनी संपत्ति है, वो जन्म कुंडली बनाई है। 420 नेताओं की अभी तक बना चुका हूं। अब ये संख्या है, इस पे हंसिए मत आप, वो संख्या है 420। तो 420 नेताओं की जो जन्म कुंडली अब तक बन के तैयार हुई है वो ये बताती है कि 20-20 साल पहले जिन नेताओं के घर में टूटी साइकिल नहीं थी, जिनके पास चाय पीने के लिए पैसे जेब में नहीं हुआ करते थे, बस का किराया देने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनमें से एक एक नेता के पास अभी 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। मैं बिना नाम लिए आपको बताता हूं, एक नेता है महाराष्ट्र में जिनके पास 20 साल पहले खाने को पैसा नहीं था, खाने को घर में नहीं था, बिल्कुल सड़क चलता आदमी था 20 साल पहले, और आज उस नेता के पास बंबई से लेकर पूना तक की 1,000 हेक्टेयर जमीन है अकेले एक नेता के नाम से। और आप उसको पहचानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं। एक नेता है बंबई में, 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था। भाजीपाला माने पालक मेथी वगैरह वगैरह, गट्ठर बना बना के बेचता था। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। एक नेता है वो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले, आज उसके पास महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और इन नेताओं का एक एजेंट है, उसका नाम है हसन अली, पूना में रहता है, उसके पास स्विस बैंक के अकाउंट में 72,000 करोड़ की संपत्ति है। इन नेताओं का एजेंट है, उसको अभी सीबीआई ने पूछताछ करना शुरू किया और पूछा कि भाई 72,000 करोड़ आपके अकेले के खाते में है, तो वो बोलता है कि बीसियों नेताओं ने पैसा अपना मेरे पास रखा है, मैंने उनका पैसा स्विस बैंक में रखा है, इसलिए ये 72,000 करोड़ जमा हो गए।
वो हसन अली से कहा हम लोगों ने मिल के कि भाई नाम बता दो। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, जानते तो आप भी हो, मैं ही क्यों बता दूं। फिर उसने एक बात कही, उसने कहा कि आप ऐसा करो मेरे खिलाफ मुकदमा करो और मेरा नार्को टेस्ट करवा दो, मैं सबके नाम बता दूंगा, नार्को टेस्ट करवा दो, ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे, आप नार्को टेस्ट करवा दो उसमें ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, मैं सबके नाम भी बता दूंगा और इनकी छाती पे मूंग भी दलूंगा। फिर ऐसे बेईमान और भ्रष्टाचारी नेता लूट रहे हैं देश को, आपका धन मेरा धन हमारा धन जो विकास में लगना चाहिए जा रहा है। अब अगर राजीव गांधी फॉर्मूले से हिसाब निकाला जाए तो 20 लाख करोड़ का 90% घोटालों में जा रहा है, सिर्फ 10% विकास के काम आ रहा है, माने हर साल 18 लाख करोड़ रुपए लूटा जा रहा है, 2 लाख करोड़ का विकास हो रहा है इस देश। अब 6,35,365 गांव में 2 लाख करोड़ रुपए तो जीरे के आटे में जीरे के बराबर है, कुछ नहीं हो सकता उससे, ना सड़क बन सकती है, ना पानी की व्यवस्था, ना स्कूल की व्यवस्था, ना हॉस्पिटल की, इसलिए गांव गांव में कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये लूट का धन सब विदेशों में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि ज्यादा दिन ये लूट की व्यवस्था को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर ऐसे ही ये लूट की व्यवस्था चलती रही तो ये देश और खड्डे में चला जाएगा, रसातल में चला जाएगा, जिस देश को करोड़ों शहीदों ने कुर्बानी देकर मुश्किलों से आजाद कराया वो फिर काले अंग्रेजों के हाथों बर्बाद हो जाए। इससे पहले हम कुछ करें, और इसीलिए हमने ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान शुरू किया, इस व्यवस्था को पलटने के लिए, बदलने के लिए, लूट की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू हुआ है। आप बोलेंगे हम क्या करना चाहते हैं, इस भारत स्वाभिमान अभियान के माध्यम से कुछ काम हम करना चाहते हैं। उनमें सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं वो ये कि अंग्रेजों के जमाने में टैक्स लगाकर जिस तरह से भारत को लूटा गया, काले अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से आज भारत लूटा जा रहा है, इस लूट के धन को वापस भारत में लाना है, ये हमारे अभियान का पहला कार्य है, पहला उद्देश्य है, और पहली सफलता के लिए हम कदम रख रहे हैं। अंग्रेजों ने लूटा हमको, आप जानते हो कितना लूटा इस देश को अंग्रेजों ने। एक उदाहरण देके बात समझाता हूं। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा उसने, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सामने वो लड़ रहा था। उस युद्ध में सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिक, रॉबर्ट क्लाइव के 350 सैनिक, दोनों के बीच युद्ध होना था। अब 350 सैनिक 18,000 सैनिक से कैसे लड़ सकते हैं और कितनी देर लड़ सकते हैं आपको अंदाजा हो सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक चालाकी खेली, सिराजुद्दौला की फौज में अपने एक एजेंट को भेजा और कहा कि ये पता लगाओ कि कौन कौन है जो भारत देश से गद्दारी कर सकता है और अंग्रेजों से मिल सकता है। तो सिराजुद्दौला की सेना में एक आदमी निकला, उसका नाम था मीर जाफर, उसने गद्दारी करने का तय कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपनी तरफ मिला लिया, मीर जाफर ने समझौता किया, रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण हम करेंगे 18,000 सैनिकों की तरफ से और अंग्रेजों की मदद करेंगे। प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को यही हुआ। भारत की सेना के गद्दार मीर जाफर ने अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ा बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर रॉबर्ट क्लाइव ने उनकी धीरे धीरे करके हत्या की। थोड़े दिन के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये तो मीर जाफर खतरनाक है, जो अपने देश से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा। तो एक दिन मीर जाफर की हत्या करके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। रॉबर्ट क्लाइव ने एक डायरी लिखी, वो कहता है कि जब मैंने मीर जाफर से दोस्ती करके, समझौता करके उसको गद्दारी करने के लिए प्रेरित किया और वो तैयार हो गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भारत में ऐसे भी लोग हैं। फिर उसने कहा मुझे दूसरी बड़ी हैरानी तब हुई कि जब 18,000 सैनिक मेरे कब्जे में आए और मैंने एक जुलूस निकाला कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि मैं जुलूस में घोड़े पर बैठकर आगे चलता था, मेरे पीछे भारत के 18,000 सैनिक चलते थे
और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी मेरे जुलूस को देखते थे और उस पर तालियां बजाते थे। रॉबर्ट क्लाइव लिखता है अपनी डायरी में कि अगर भारतवासियों ने ताली नहीं बजाई होती, जिन हाथों से वो मेरे जुलूस पर ताली बजाते थे उन्हीं हाथों से अगर पत्थर के टुकड़े उठाकर मुझे मार दिए होते तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हमारा इतिहास उल्टा हो गया, हम गुलाम हो गए अंग्रेजों के। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा इस देश को, कलकत्ता को लूटा। लूट का धन 7 साल में इंग्लैंड लेके गया। इंग्लैंड की संसद में उसका बयान हुआ और उसको पूछा गया कि तुम भारत से कितना धन लूट कर लाए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैं भारत से जो भी कुछ लाया हूँ उसका मूल्य तो मैंने नहीं निकाला है लेकिन अंदाजा बता सकता हूँ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया उससे कितना धन है, तो उसने कहा भारत से जो धन मैं लेके आया उसको लाने के लिए पानी के 900 जहाज मुझे लगे और एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था उस जमाने में। 900 पानी के जहाज भर के सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक वो यहां से लूट कर ले गया। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था, उसके पीछे वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके पीछे कर्जन था, उसके पीछे केनिंग था, उसके पीछे लॉरेंस था, उसके पीछे डलहौजी था, विलियम वेंटिंग था और आखिरी लुटेरा माउंट बेटन था। इन 84 अंग्रेज गवर्नरों ने इतना लूटा इस देश को कि कंगाल और भिखारी हो गया। वो लूट का सारा हमने हिसाब निकाला तो लगभग 300 लाख करोड़ रुपए है जो लूट कर अंग्रेज इस देश से ले गए। अगर ये 300 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीद लें आज, हम भारत के एक एक गांव की सड़क को सोने से बना सकते हैं 3 बार। एक बार सोना बिछाएं 6,35,365 गांव की सड़क पर, दूसरी बार बिछाएं और तीसरी बार बिछाएं, इतना सोना आता है 300 लाख करोड़। इतना धन हमारा लूटा है। अब होना क्या चाहिए था? आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं को जो काम करना चाहिए था वो ये कि जितना धन अंग्रेज लूट कर ले गए हैं इस देश में से, इसको वापस लाना चाहिए और ब्याज सहित वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो अंग्रेजों की संपत्ति नहीं। आप बोलेंगे इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत चलती है दुनिया में, इंटरनेशनल कोर्ट, वहां हम मुकदमा कर सकते हैं और अपने पक्ष के सबूत वहां प्रस्तुत करके अंग्रेजों से ये पैसा वापस ले सकते हैं। और हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल हम इस पैसे को वापस लाएंगे। नेताओं ने 62 साल जो काम इस देश में नहीं किया है वो काम हम इस देश में करवाएंगे, हम करेंगे इस मुकदमे को। आप बोलेंगे हमारे नेताओं ने क्यों नहीं मुकदमा किया? ज्यादातर नेताओं की ये ओपिनियन है इस देश में, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करना, अंग्रेजों से झगड़ा नहीं करना, उनकी दुश्मनी नहीं लेना, चुपचाप अभी वो लूट ले गए तो लूट ले गए, हम फिर से अपने देश को बनाने की कोशिश करें, इस मान्यता के नेता ज्यादा हुए। डरपोक, कायर, नपुंसक और कमजोर। जो नेता अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, अपने अधिकार नपुंसक नेताओं का ही हमारी हजारों वर्ग मील जमीन चली गई और हमारे नेता उसको वापस नहीं ला सके इस देश में। आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर हमारा है लेकिन चीन के कब्जे में है। 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में है। 65,000 वर्ग मील जमीन हमारी पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना लूटा है भारत, पैसे तो दिए ही विदेशियों को, जमीनें भी दे रखी। संसद में 3-4 बार बड़ी बहस हुई है इस विषय पर कि हमारी लूटी हुई जमीन हम भारत में वापस कब लाएंगे, कब ऐसे मजबूत नेताओं की सरकार बनाएंगे जो लूटे हुए भारत के धन संपत्ति और जमीन को वापस लाए। एक बार हमारी संसद में बहस हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था, जो जमीन लूट गई अब उसको वापस लाने का क्या फायदा।
क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका भी नहीं उगता है, वो बंजर है, वो बेकार है। तो हमारे देश में एक सांसद हुआ करते थे जिन्होंने नेहरू जी से सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, अगर उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, वो बंजर है, बेकार है, इसलिए आपने विदेशियों को दे दी है, तो आपके सिर पर एक बाल नहीं उगता है, ये भी काट के विदेशियों को दे दो। जवाब नहीं था नेहरू जी के पास उसका। ऐसी कमजोरी हमारे नेताओं में रही है, इस कमजोरी को खत्म करना ही पड़ेगा। अब ऐसे नेताओं की जरूरत है इस देश को जो अंग्रेजों से लूट का हिसाब मांगे, जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें। अंग्रेज अगर बातचीत से पैसा वापस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से उस पैसे को निकालने की कोशिश करें। आप बोलेंगे अगर अंग्रेजों ने हाथ उठा दिए और ये कह दिया कि हम तो नंगे हैं, भूखे हैं, हम तो दिवालिया हो गए हैं, हम तो 300 लाख करोड़ रुपए दे नहीं सकते, तो अपने पास दूसरे तरीके हैं। आप बोलेंगे क्या तरीके हैं? अंग्रेजों की जितनी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, इन सब की संपत्ति को एक झटके में हम जब्त करेंगे और उसमें से अपने पैसे निकाल लेंगे, मुश्किल क्या है? आपको मालूम है बहुत सारी कंपनियां अंग्रेजों की हैं, ब्रुक बॉन्ड अंग्रेजों की कंपनी है, लिप्टन अंग्रेजों की कंपनी है, यूनिलीवर अंग्रेजों की कंपनी है, ऐसी उनकी हजारों कंपनी है, आईसीआई उनकी कंपनी है, कैडबरीज उनकी कंपनी है। इन अंग्रेजों की कंपनियों की संपत्ति को ही जब्त करके हम हमारे पैसे निकाल सकते हैं। इंग्लैंड दिवालिया होता है, हो जाए, हम हमारी संपत्ति यहां से निकाल सकते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, पराक्रम चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, देशाभिमान चाहिए। ऐसे नेताओं की इस देश को अभी जरूरत है और भारत स्वाभिमान अभियान हमने ऐसे ही नेताओं को जन्म देने के लिए पैदा किया है, ऐसे ही नेताओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए पैदा किया। ये हम करेंगे, इस धन को हम वापस लाएंगे। और दूसरा, आजादी के 62 साल में जो काले अंग्रेजों ने इस देश से लूटकर धन स्विस बैंकों में जमा किया है, इसको भी वापस लाएंगे। आपको मालूम है हमारे नेताओं का और अधिकारियों का स्विस बैंकों में इस समय 1500 अरब डॉलर जमा है। इसका अर्थ है 75 लाख करोड़ रुपए जमा है और स्विस बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों में 35 लाख करोड़ जमा है, 110 लाख करोड़ रुपए ये जमा कर रखा है। इसको भी हम वापस लाना चाहते हैं। आप बोलेंगे कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम संसद की मदद से कानून बनाना चाहते हैं इस देश में। वो कानून क्या कहेगा? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन इस देश से लूटा है और विदेशी बैंकों में जमा हुआ है, वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये कानून हम संसद में बनवाना चाहते हैं और इसके लिए एक प्रस्ताव संसद में लाना चाहते हैं। जिस दिन ये प्रस्ताव संसद में आएगा उस पर बहस होगी। बहस के दिन आप भी देखना, मैं भी देखूंगा कि कौन कौन हरामी इनका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, वही भ्रष्टाचारी है, लूटखोर है, उसी का पैसा स्विस बैंक में। सारे देश के सामने खुल जाएगा कि कौन बेईमान और हरामी है, कौन ईमानदार है। और हमने एक दूसरा संकल्प लिया है कि जो जो एमपीज इसका विरोध करेंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं उनके घर तक। हम क्या करने वाले हैं? उनके चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, परम पूजनीय स्वामी जी खुद जाने को तैयार, और उनके लोगों के सामने बताएंगे कि कितना लूटा है इन्होंने देश को, 20 साल पहले इनके पास क्या था, आज इनके पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा हिसाब लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप जो सजा तय करो वो सजा इनको मिले। हमने एक सजा उनके लिए सोची है भारत स्वाभिमान की तरफ से, बिजली के तारों से उनको उल्टा लटकाएंगे, नीचे आग जलाएंगे और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकेंगे, तब ये नेता सच कबूलेंगे और सच बोलेंगे। छोड़ेंगे नहीं हम इनको, भारत माता को लूटा है, इनको कैसे छोड़ दें? हमने माधो सिंह मोहर सिंह को नहीं छोड़ा जिन्होंने थोड़े से लोगों को लूटा था, जिन्होंने भारत माता को लूट लिया है उनको कैसे छोड़ देंगे?
तो वो हमें हिसाब करना है, न्याय करना। ये धन आएगा संसद के प्रस्ताव से आएगा। आप पूछेंगे संसद ने अगर ये प्रस्ताव पारित करने से मना कर दिया तो हमारी तैयारी है कि इस पूरी संसद को बदलेंगे हम और नई संसद बनाएंगे इस देश। वर्तमान में हमारी संसद में जितने एमपीज हैं इनके स्थान पर दूसरे एमपीज को चुनवा कर लाएंगे। कम से कम 350 से 400 एमपीज भारत स्वाभिमान के आशीर्वाद से चुनकर आएंगे और वो इस देश की संसद में नया कानून बनाएंगे और स्विस बैंक से पैसा वापस लाएंगे। हमारी तैयारी उतनी। एक और रास्ता है, वो रास्ता ये है सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये पैसा ला सकते हैं। आपको मालूम है एक बार इस देश में घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। 133 करोड़ रुपए दिए गए, यूरिया का एक दाना इस देश में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जांच करवाई, पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गया स्विस बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नरसिम्हा राव के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसको तिहाड़ जेल में भेजा गया और अभी भी वो जेल में है। नरसिम्हा राव तो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बेटा जेल में है। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि 133 करोड़ रुपए वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर 133 करोड़ रुपए वापस आया। हम सुप्रीम कोर्ट में एक ही अपील करना चाहते हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी पैसा आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी पैसा आ सकता है, सभी घोटालों का पैसा आ सकता है। और शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने। चौथा एक रास्ता है अपने पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और स्विट्जरलैंड अपराधी है इसके लिए, तुरंत उसका फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हम मुकदमा करेंगे। 50 देश हमारे साथ मुकदमा करने को तैयार हैं क्योंकि उन सभी देशों के भ्रष्ट नेताओं का पैसा स्विस बैंक में है, वहां से भी ये पैसा ला सकते। और आखिरी एक रास्ता है, हम चाहें तो दादागिरी करके भी ये पैसा स्विट्जरलैंड से वापस ला सकते हैं। है कितना बड़ा देश स्विट्जरलैंड, हमारे देश के एक जिले के बराबर का देश है। 2 घंटे की कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, इतना छोटा सा देश। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि सारे भारतवासी एक साथ खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा उसमें। है कितना बड़ा। उस देश के पास अपनी आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, पुलिस नहीं है। हम एक भपकी दे के, धमकी दे के ला सकते हैं सारा पैसा। और अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, बराक ओबामा। पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक काला आदमी राष्ट्रपति बनाए, गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बनाए। गोरे लोगों का अमेरिका में वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। जानते हैं क्यों? बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों से वायदा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो विदेशी बैंक में है उसे वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने उसको जिताया और इतिहास बनाया। इतने वोटों से अमेरिका में कोई राष्ट्रपति आज तक नहीं जीता जितने से बराक ओबामा। जीतने के बाद उसने पहले ही 15 दिन में ये कानून बनाया और स्विस बैंक से 470 अरब डॉलर बराक ओबामा वापस लाया। 4,490 अमेरिका के नेताओं का पैसा, 470 अरब डॉलर अमेरिका वापस गया और उसने उस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब ये काम अगर बराक ओबामा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। बराक ओबामा 30 करोड़ अमरीकियों के देश का राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ तो 115 करोड़ लोग हैं। बस हमको तलाश है एक दूसरे बराक ओबामा की, जो बहुत जल्दी इस देश को मिल जाएगा, इसका पूरा विश्वास है। क्योंकि भारत माता ऐसी माता है जो जरूरत पड़ने पर सपूतों को जन्म देती है। समय समय पर ऐसे सपूत आते रहे हैं और इस देश के लिए अपना काम करके चुपचाप जाते रहे हैं। अब ऐसा फिर कोई सपूत इस देश में आएगा और जरूर ये काम करके दिखाएगा, इसका पूरा विश्वास है। हम लाएंगे इसे 110 लाख करोड़ रुपए।
लाके क्या करने वाले हैं इस पैसे से? हम गांव का विकास करना चाहते हैं, सबसे पहले गांव में रोजगार और उद्योगों की स्थिति सुधारना चाहते हैं। भारत के 6,35,365 गांव में एक एक गांव में 100-100 उद्योग लगाना चाहते हैं हम। क्यों? हर गांव वाले को वही काम मिले जो उसके गांव में, बाहर ना जाना पड़े, शहर में ना जाना पड़े, झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन ना बिताना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। हमने हिसाब निकाल के देखा क्या क्या उद्योग गांव में लग सकते हैं। भारत में 2,00,000 गांव हैं जहां कपास पैदा होती है। कपास से चरखा चला के सूत बनाया जा सकता है, वो सूत से कपड़ा बनाया जा सकता है। ये काम 2,00,000 गांव में हो सकता है और एक एक व्यक्ति को इसमें अगर हम रोजगार देना शुरू करें तो 15 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को खादी बनाकर, चरखा चलाकर, सूत बनाकर, कपड़ा बनाकर रोजगार दिया जा सकता है बहुत आसानी से। वो हम करना चाहते हैं। फिर दूसरा उद्योग गांव गांव में क्या हो सकता है? सरसों गांव में पैदा होती है, तिलहन गांव में होता है, सरसों और तिलहन का तेल गांव में निकाला जा सकता है और गांव का तेल डब्बा बंद करके शहरों में बेचा जा सकता है। गांव में अगर बिजली नहीं है तो भी कोल्हू चलाकर बैलों की मदद से तेल निकाला जा सकता है, जो पहले हजारों साल इस देश में निकलता रहा और इस देश के लोगों की सेहत तंदुरुस्त बनाता रहा। अभी हम शहरों से जो डिब्बाबंद तेल लाते हैं, आप जानते हैं उनमें तेल कम, मिलावट ज्यादा, क्योंकि सरकार ने बड़ी कंपनियों को यह अधिकार दे रखा है कि वो पामोलिन तेल मिलाकर कोई भी तेल बेच सकते हैं। और पामोलिन तेल एक इतना खतरनाक तेल है जो शरीर में कभी पचता नहीं है, वो खून में जमा होता रहता है और वही हृदय घात का कारण बनता है। हम चाहते हैं गांव गांव में शुद्ध तेल बने, सरसों का तेल बने, तिलहन का तेल बने, नारियल का तेल बने, कोल्हू उसके लिए लगे, घर घर में ये काम हो और तेल का बाजार इस देश में 56,000 करोड़ रुपए का है, करोड़ों ग्रामीण वासियों को रोजगार इसमें मिल सकता है। एक तीसरा काम हम करना चाहते हैं कि भारत में जो जो गांव में गेहूं पैदा होता है वो सभी गांव में गेहूं का आटा बन सकता है। हम चक्की चलवा सकते हैं, गेहूं का आटा बनवा सकते हैं, उस आटे को अच्छी पैकिंग करके शहरों में बेचा जा सकता है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने एक संकल्प लिया है कि अगले साल 1,000 आरोग्य केंद्र पूरे देश में हम शुरू करने जा रहे हैं और गांव गांव की बहनों की चक्की चलाकर जो पैदा हुए गेहूं का आटा है वो पैकेट में भरवा कर हम बिकवाएंगे और उनको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। इस देश में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है। जिन गांव में आलू होता है वहां आलू का चिप्स बन सकता है और शहरों में बिक सकता है। हमारे देश में विदेशी कंपनियां आकर 400 रुपए किलो आलू का चिप्स बेचती हैं, तो हम गांव के लोग 50 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं आलू का चिप्स। 65,000 से 70,000 गांव में टमाटर पैदा होता है, टमाटर की चटनी उन गांव में बन सकती है और शहरों में बिक सकती है। अचार है, पापड़ है, बड़ी है, मुरब्बा है, ये सब गांव गांव में पैदा होके शहरों में बिक सकते हैं। 100 से ज्यादा उद्योग गांव में लग सकते हैं, बस जरूरत उनके लिए पैसे की है। वो पैसा स्विस बैंक से जब आएगा तो हम इस काम में लगाने वाले हैं और इस तरह उद्योग व्यवस्था गांव में खड़ी करने वाले। जैसे ही गांव में ये उद्योग खड़े होंगे, एक उद्योग में 10 आदमी को काम मिलेगा, हर गांव में 1,000 परिवारों को काम मिलेगा और किसी गांव में 1,000 से ज्यादा परिवार नहीं है, हमारे संपूर्ण गांव को रोजगार हम दे सकते हैं। गांव में रोजगार मिलना शुरू हुआ तो शहर खाली होने लगेंगे, झुग्गी झोंपड़ियों में जो गांव के लोग शहर में रहते हैं वो वापस अपने गांव जाने लगेंगे, तो शहर रहने लायक हो जाएंगे और गांव आबाद हो जाएंगे। ये दोनों काम हम इस व्यवस्था से करना चाहते हैं। इसमें जितना खर्च आएगा उसके बाद हम गांव में सड़क बनाना चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने तो एक योजना बनाई है कि 10 गांव के बीच में एक बिजली घर बनाना, 1 मेगावाट का, 4.5 करोड़ के खर्चे में बनता है। 1,00,000 गांव के बीच में अगर बिजली घर लग जाए तो 4.5 लाख करोड़ के खर्चे में, और अपने पास फंड है 110 लाख करोड़ का। 24 घंटे हर गांव में बिजली रहेगी जैसे शहरों में रहती, 1 मिनट बिजली नहीं जाएगी। और छोटे पावर स्टेशन लगेंगे तो उसका बड़ा फायदा है। अभी क्या होता है, 1,000 मेगावाट 1,500 मेगावाट के पावर स्टेशन बनते हैं,
उनमें जो बिजली पैदा होती है वो 12-13 हजार वोल्ट की बिजली पैदा होती है। घरों में जो बिजली हम जलाते हैं वो 110 वोल्ट की होती है। अब पावर स्टेशन में 12 हजार वोल्ट की बिजली को घरों में लाते लाते 110 वोल्ट पे बदलना पड़े तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और हजारों यूनिट बिजली उसमें फालतू में खर्च हो जाती है। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घरों की बिजली छोटे पावर स्टेशन से आए, कारखानों की बिजली बड़े पावर स्टेशन से आए, बड़े पावर स्टेशन कारखानों के लिए चलें, छोटे पावर स्टेशन घरों के लिए चलें। बिजली की व्यवस्था में ये हम क्रांतिकारी काम करके इस देश में हर गांव को जगमगाता हुआ देखना चाहते हैं, जैसे शहर जगमगाते हैं। हम इस देश के गांवों में लाखों चिकित्सालय खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहते हैं, सब तरह की सुविधाएं गांव में हम देना चाहते हैं। और वो सारी सुविधाओं को देने के लिए कुल पैसे की जरूरत है 50 लाख करोड़, और हमारे पास है 110 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ खर्च करके भी 60 लाख करोड़ बचेगा, उसको भारत माता के नाम से किसी बैंक में हम खाता खोल के रख देंगे, फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे। 10% का ब्याज अगर सालाना मिलेगा तो 6 लाख करोड़ का तो ब्याज आ जाएगा और उसी से देश का बजट बन जाएगा। किसी भी नागरिक से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस देश में टैक्स की व्यवस्था को पूरा पलटना चाहते हैं। अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो सारे टैक्स हम हटाना चाहते हैं। किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब टैक्स नहीं देंगे आप तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। 100 रुपए की चीज 30 रुपए में मिलेगी, 200 रुपए की चीज 60 रुपए में मिलेगी। चीनी सस्ती होगी, डीजल सस्ता होगा। एक दिन मैंने हिसाब जोड़ा, सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए लीटर में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 50 रुपए लीटर का पेट्रोल 12 रुपए लीटर में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं 350 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर 45 रुपए में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं इस देश के तो 15 रुपए किलो का नमक 50 पैसे 1 रुपए किलो में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं इस देश में तो 90 रुपए की दाल 12-13 रुपए किलो में मिलेगी। सारे टैक्स खत्म हो जाएं इस देश के, हर चीज सस्ती हो जाएगी तो गरीबों को जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम देश में लाना चाहते। फिर कोई हमें पूछेगा भाई टैक्स नहीं लेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? स्विस बैंक से लाए हुए पैसे के ब्याज से चलेगी, टैक्स लगाना क्यों? जिंदगी भर वो पैसा ब्याज देता रहेगा, हर साल 10% का ब्याज मिलेगा, जरूरत ही नहीं। और एक व्यवस्था हम करना चाहते हैं, इस देश में आजकल पाकिस्तान नाम का देश जाली नोट भिजवाता है। 18 हजार करोड़ के हर साल जाली नोट आते हैं। 15-20% करेंसी हमारी जाली नोटों की हो गई है। धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकती है तो हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। वो क्या कि पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में आते हैं जाली नोट लेकर, वो 1,000, 500 और 100 के नोट लेके आते हैं। जब जब पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाते हैं तो उनके पास 1,000, 500, 100 के नोट होते हैं। एक बार एक सीबीआई अधिकारी को मैंने पूछा कि ये पाकिस्तानी एजेंटों को आप जब पकड़ते हो तो 1,000, 500, 100 के नोट जो आते हैं उनसे पूछो कि यही नोट लेके वो क्यों आते हैं? 50 का नोट क्यों नहीं लाते? 20 का क्यों नहीं लाते? 10 रुपए का नोट क्यों नहीं लाते? तो एक सीबीआई अधिकारी ने पूछा पाकिस्तानी एजेंट को, तो उसने कहा कि साहब 50 रुपए का नोट हम इसलिए नहीं ला सकते कि उसको बनाने में 53 रुपए खर्च हो जाते, 20 का नोट बनाने में 25 रुपए खर्च हो जाते, 10 का नोट बनाने में 15 खर्च हो जाते, तो वो तो पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है, इसलिए 10-20-50 के नोट नहीं लाते, 1,000, 500, 100 के लाते हैं। तो हमने अब ये तय किया है कि इस देश में से 1,000, 500 और 100 के नोट ही खत्म कर दिए जाए, छोटे ही नोट रखे जाए इस देश। जिन जिन के पास 1,000, 500, 100 के नोट हैं वो रिजर्व बैंक में जमा करें, उसके बदले में 50-50 के नोट लेके अपने घर चले जाएं। फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देता है किसी को। अभी 10 करोड़ की रिश्वत तो एक ब्रीफ केस में आ जाती है, 1,000 के नोट लेके वो दे आते हैं। फिर जब 50 का ही नोट रहेगा सबसे बड़ा,
तो 10 करोड़ की रिश्वत ले जाने के लिए ट्रक भरना पड़ेगा और ट्रक भर के नोट ले जाके किसी को देना पड़ेगा। लेने वाले को हम देखेंगे और देने वाले को देखेंगे, कैसे संभव होता है? माने भारत के भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं, पाकिस्तान की जाली करेंसी के रैकेट को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं। और इससे भी ज्यादा जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में सिर्फ 20 रुपए खर्च करते हैं, तो उनको तो 20 के नोट की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। अब 84 करोड़ तो हमारी आबादी का 70% है, 70% आबादी जिस नोट को खर्च करती है वही नोट ज्यादा चलना चाहिए, बड़े नोट सब खत्म होने चाहिए इस देश। प्रोसीजर कोड, इंडियन एजुकेशन एक्ट, ये सब कानून हम खत्म करना चाहते हैं और उनके स्थान पर जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाना चाहते हैं। न्याय की व्यवस्था को वास्तव में न्याय आधारित हम बनाना चाहते हैं, कानून आधारित नहीं बनाना चाहते। कैसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, एक ही उदाहरण से मेरी बात आपको समझ में आएगी। एक राजा था इस देश में, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बड़ा न्यायप्रिय राजा था। उसके दरबार में एक मुकदमा आया, दो माताएं थी और एक बेटा था। एक माँ कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा है, दोनों झगड़ रही थी। राजा ने कहा तलवार ले आओ, इस बच्चे को आधा आधा काट दो। तो तलवार आई, बच्चे को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई तो असली माँ चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी माँ को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली माँ यही है जो बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती अपनी आंखों से। राजा ने क्या किया, नकली माँ से बच्चा छीना और असली माँ को दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ऐसी न्याय व्यवस्था हम इस देश में लाना चाहते हैं। अगर यही मुकदमा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में आप लेके आ जाइए, मैं चैलेंज देता हूं 50 साल इसका फैसला नहीं होगा। दोनों माताएं बूढ़ी होकर मर जाएंगी, बच्चा भी जवान होकर बूढ़ा हो जाएगा, मुकदमा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, फैसला कभी नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी न्याय में न्याय होता नहीं। हम न्याय की व्यवस्था चाहते हैं, ऐसे कानून बनाना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था को हम स्वदेशी करना चाहते हैं। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है, मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं, कॉपी पर लिखना माने उल्टी करना, 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से, 96 नंबर, जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया, मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी, मैंने बचपन में पढ़ा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया, ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में, जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका। मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या, मालूम है मुझे क्या करूं इसका,
मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे? फालतू में रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन? और मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुम्हारे परिवार का पहला राष्ट्रपति कौन, मुझे नहीं मालूम। मेरे परिवार के राष्ट्रपति से मतलब मेरे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा, कहीं से हमारा कुल शुरू हुआ ना, तो मेरे कुल का पति माने मेरा पहला पिता वो कौन, नहीं मालूम। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मालूम है। और मुझे तो इतना दुख होता है कि अमेरिका का पहला ही राष्ट्रपति नहीं मालूम, 250 राष्ट्रपति मालूम है मुझे उनके, और मेरे कुल के 250 आदमी के नाम नहीं मालूम मुझे। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी का, उसके आगे बढ़ता हूं तो सब ब्लैंक हो जाता है, याद ही नहीं मुझे। क्या करना है ऐसी शिक्षा से, काम की क्या है ये? बचपन में मुझको पढ़ाया कनाडा का क्लाइमेट कैसा, कनाडा का, भारत का नहीं, कनाडा का, कनाडा की जलवायु क्या है, क्या करूं उसका, कनाडा की जलवायु का? मैं तो कभी कनाडा जाने वाला नहीं, कनाडा मेरे घर में कभी आने वाला नहीं, उसकी जलवायु पढ़ के करना क्या है? मैं शिवपुरी में रहता हूं, मैं भोपाल में, ग्वालियर में रहता हूं, मुझे शिवपुरी की जलवायु मालूम है तो कुछ काम आने वाली है, कनाडा की जलवायु क्या काम आने वाली है? कभी जिंदगी में मौका मिला कनाडा जाने का, जिसका कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तब जाके वो बात कभी काम आएगी, उसके लिए रट रट के पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर दिया घंटों घंटों। ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया, अकबर बड़ा महान था, होगा मैं क्या करूं, अकबर महान था ठीक है, मैं क्या करूं उसका, मेरी जिंदगी में उससे क्या फायदा होने वाला है अकबर की महानता से? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में, वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना, मेरी बात है इसलिए नहीं, आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो, उसमें से कितना आपके काम आया। शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5 भी काम नहीं आया, 5% भी काम नहीं आया। जो काम नहीं आया पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों उसको? और आप ऐसे सोचो, दूसरा उल्टा सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है, याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? तो मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूँ, 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं, जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे। हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए, इसलिए परीक्षा पद्धति फेल हुई है, बच्चे फेल नहीं हुए। मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, समझाया नहीं बच्चों को ठीक से। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है, 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन, स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे
तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया, और निकालने के बाद सारी दुनिया में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है, और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तोला जाता है। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं, धीरू भाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर जो आज लाखों करोड़ का है, 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना में। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाए जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी, क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए, तो मैं अंग्रेजी में पास होके दिखा सकता हूं। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता, तो हम भारत के विद्यार्थियों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में पास हो? और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लायक, ये तो भाषा ही रद्दी है। इस भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट, बीयूटी, तो पीयूटी पट होना चाहिए, सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी पट, अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट, यही होना चाहिए ना? क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। और परम मूर्खता की भाषा ये अंग्रेजी। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA है ना, उसको चोपड़ा क्यों कहते हैं, कोपड़ा कहो, और CHOPARA को चोपड़ा कह रहे हो तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो फिर। एक जगह CH का है, एक जगह CH चा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या इनका हिसाब किताब है? मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी। और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है, अंग्रेजी में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए, SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से?
पूरी अंग्रेजी में सन का पर्यायवाची नहीं है, माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके। अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द हैं हमारे पास संस्कृत में, अंग्रेजी में एक ही है। एक शब्द है अंग्रेजी में मून, एक ही है चंद्रमा, और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द है वॉटर, माने पानी, वो अकेला एक ही है, वो नदी का पानी हो या नाले का, कुएं का हो या तालाब का, सब पानी वॉटर है। और यहां भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है, बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, तालाब का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड़ का पानी अलग, सब पानी के लिए अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी में एक ही है वॉटर, बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। कितने गरीब हैं, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल, कोई शब्द ही नहीं है अंकल के अलावा। और चाची, मामी, मौसी, सब आंटी, कोई दूसरा ही शब्द नहीं है उनके पास। हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फंस गए, अकल नहीं हमारी तो मारी गई है। हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, अकल उन्हीं की मारी गई है, जो नहीं पढ़े वो बहुत होशियार। पता है, मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूं, मैंने जिंदगी में एक नियम बनाया, वो नियम यह है कि होटल में खाना नहीं खाऊंगा, होटल में ठहरूंगा नहीं, तो झक मार के मुझे घरों में ही ठहराना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं खाता नहीं, होटल में ठहरता नहीं। तो हर बार नए नए घरों में जाता हूं खाना खाने रहने के लिए। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में भी जाता हूं, तो वो कैसे मूर्ख दिखाई देते हैं मुझे, उसका उदाहरण बताता हूं। वो ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी है बीच की। और वो खिचड़ी कैसी है, किसी के घर में गया तो पिताजी का नाम घर में रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं यही पूछता हूं कि रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूं, आपको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है? उनको नहीं मालूम, नाम रख लिया बच्चे का टिंकू, अर्थ नहीं मालूम। ऐसे मूर्ख लोग, अर्थ मालूम नहीं, नाम रख लिया टिंकू टिंकू टिंकू। फिर डिक्शनरी खोल के दिखाता हूं उनको। अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। जो लड़का बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। और हम क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे मूर्ख लोग, आज्ञाकारी लड़के को टिंकू 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 बोल बोल के आवारा बनाने की तैयारी कर। ऐसे अंग्रेजी मूर्खों के घरों में जब मैं जाता हूं तो ऐसे ही नाम मिलते हैं, बबली, डबली, डब्लू, बबलू, क्या मतलब है डब्लू बबलू बबली डबली, डिंपल, ट्विंकल, कुछ मतलब ही नहीं। कुछ भारत में नाम की कमी हो गई है क्या? और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं मैं देखता हूं, कोई अधकचरे हिंदुस्तानी, माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इंप्रेशन जमाने के लिए, माने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा, हाँ भले गलत सलत लेकिन झाड़ेगा जरूर, रौब पड़े उसके ऊपर। वो क्या कहेगा, हिंदी में भी बोल सकता है, वो बात नहीं बोलेगा, वो कहेगा ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उसको मिसेस का अर्थ नहीं मालूम। मिसेस का अर्थ जानते हैं क्या है? हर देश की अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति होती है, तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है? इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। एक पुरुष की
20 स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के 20 पुरुष हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं इंग्लैंड और यूरोप में जिनकी 40-40 शादियां हुई हैं, 41वीं करने को तैयार, ये उनके यहां चलता रहता। इसको उनकी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं वो सब मिसेज में जाते हैं। माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसेज होती है, पत्नी को छोड़कर। अब यहां धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं, मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हो। मिस्टर का मतलब उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है, यहां पति को मिस्टर बनाने में लगे हो। छोड़िए इन अंग्रेजी शब्दों को, इनमें कुछ दम नहीं। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है यूरोप में? अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परिस्त्री गमन होगा वहां वैश्यावृत्ति होने वाली है कि नहीं? परिस्त्री गमन, पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति चरम पर होगी। तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे हैं। अपनी धर्मपत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ। और वो धर्मपत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको, जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती लक्ष्मी। तो जहां सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेज बना दिया। ये मूर्खाधिपति हमारे देश में, अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का, इस अंग्रेजी भाषा ने किया, फिर इन्होंने और ज्यादा किया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, दम नहीं है। कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे, कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं देख बेटा अंकल आए हैं जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूँ भाई मैं अंकल नहीं हूँ, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है। मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूँ ये आप इनको पोइम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना। तो उनको पोइम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोइम अलग है कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोइम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूँ तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे? नहीं मालूम। किसने बताया? टीचर ने बताया। टीचर को पूछो उनको भी अर्थ नहीं मालूम, तो रटाया क्यों फिर बच्चे को, अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बता दूं देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। माने छोटे बच्चे को खेलना है इसलिए वो बारिश को कह रहा है बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब ये बच्चे कविता गा रहे हैं बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ मुझे खेलना है, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली। तो बारिश को वापस बुला लिया तो क्या होने वाला है? बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको, ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में
60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में, ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको, अर्थ बहुत सीधा है उसका। वो कविता है, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा। ये रे माने आओ आओ जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ, पाउसा माने बारिश। मराठी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है, क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। इंग्लैंड में 3 W होते हैं जिनका भरोसा नहीं होता, वेदर माने मौसम, कभी भी बदल जाएगा। दूसरा W वाइफ, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है शाम को किसी और की है, कल किसी और की है परसों किसी और की है। और तीसरा W होता है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं, 20 साल आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, एक दिन में पिंक स्लिप देगा भगा देगा। तो वाइफ वेदर वर्क का भरोसा नहीं। भारत में ये तीनों ही पक्के, वेदर तो एकदम पक्का है इस देश, बारिश में बारिश होगी, सर्दी में सर्दी होगी, जाड़ों में जाड़ा पड़ेगा, शरद में शरद होगा, बसंत में बसंत आएगा, वेदर एकदम पक्का है। और वाइफ तो सबसे ज्यादा पक्की है, साथ साथ जन्म तक साथ नहीं छोड़ती, इतनी पक्की वाइफ तो दुनिया में कहीं नहीं। और वर्क भी पक्का है इस देश। तो यहां तो बिल्कुल उल्टा मामला है, हमारी कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी परंपरा, जैसा हमारी संस्कृति, जैसी हमारी सभ्यता। अंग्रेजों की कविताएं हम क्यों सीखें, क्यों सिखाएं? तो ये मूर्खता बंद करिए अपने जीवन से, ये अंग्रेजियत का भूत उतार दीजिए अपने जीवन। व्यक्तिगत बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, कम से कम करिए। रौब मत झाड़िए दूसरों पर अंग्रेजी बोलकर, गलत सलत तो बिल्कुल मत बोलिए, टांग मत तोड़िए अंग्रेजी के, उनकी भाषा है उनको मुबारक हो। और इस भाषा के बारे में 2-3 गलत फहमियां दिमाग से निकाल दीजिए, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है। 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, हॉलैंड में उनकी अपनी भाषा है, डेनमार्क में डेनिश है, सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं देशों में है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी, बाकी नहीं है। और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है, क्योंकि शब्दों की संख्या सबसे कम है और व्याकरण इसका सबसे ज्यादा मूर्खता वाला है। यूनाइटेड नेशंस में भी अंग्रेजी नहीं चलती, वो फ्रेंच में काम करते हैं। एक बार मैंने पूछा उन लोगों को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार भाषा है, फ्रेंच में क्यों काम करते हैं, वो कहते हैं बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं पूछा फ्रेंच की वैज्ञानिकता क्या है, तो उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात कही, उन्होंने कहा कि फ्रेंच में शब्द रूप और धातु रूप दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पूछा ये कहाँ से आपने सीख लिया, उन्होंने कहा ये हमने संस्कृत से सीख लिया, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग। संस्कृत दुनिया की सब भाषाओं की माँ है, इसलिए संस्कृत सीखिए, लोगों को सिखाइए, संस्कृत बोलिए, लोगों को बुलवाइए, हिंदी सीखिए, हिंदी सिखाइए, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखिए, सिखाइए, इस अंग्रेजी की टांग मत तोड़िए। फिर आप बोलेंगे जी दुनिया में व्यापार करना है तो अंग्रेजी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जापान के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जापानीज में, जर्मनी के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जर्मन में, रूस के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं रशियन में। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हिंदी में या संस्कृत में। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखनी चाहिए जो इंग्लैंड जाएं, और जब जाएं वीजा मिले तो सीख लेना, अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना।
और इंग्लैंड जाने का वीजा 115 करोड़ को तो मिलने वाला है नहीं, तो जबरदस्ती बचपन से क्यों सिखा रहे हो इन सबको? और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? जब मार मार के किसी बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाते हैं, उसकी जिंदगी का 6 गुना समय आप बर्बाद कर देते हैं। जो बात बच्चा मातृभाषा में 1 घंटे में सीखता है, वही बात अंग्रेजी में सीखने में 6 महीने लग जाते हैं उसको। कितना समय बर्बाद किया आपने उसको। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारा पाठ्यक्रम हम हिंदी में कर दें, मातृभाषा में कर दें, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल में हो जाती है, मेडिकल की पढ़ाई 1.5 से 2.5 साल में हो जाती है। इतना समय हम बचा सकते हैं। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी हटा दी जाए तो जितना 12 साल में हम बच्चों को सिखाते हैं वो 2 साल में सिखा सकते हैं। समय बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं दिमाग का। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था इस देश में मातृभाषा में हो, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक, और अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में खत्म हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए, और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है? जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ, और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो, वो इस देश के किस काम के हैं? पैसा हिंदी वासी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे, ये कौन सी व्यवस्था? न्याय भी हिंदी में देना पड़ेगा। वादी को हिंदी आती है, प्रतिवादी को हिंदी आती है, जज को भी हिंदी आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश में आएगी? तो न्याय व्यवस्था में हिंदी, प्रशासन व्यवस्था में हिंदी, संसद में भी हिंदी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत नेताओं पर क्रोध आता है, वोट मांगने के लिए जब वो आते हैं तो मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, गधे को बाप बनाएंगे। संसद में चुनकर ही पहुंचते हैं तो गिटपिट अंग्रेजी बोलना चालू कर देते हैं। किसके लिए संसद चलाते हैं? 1% लोगों को इस देश में अंग्रेजी समझती है, 99% लोगों को नहीं समझती। संसद में किसको सुनाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं? मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है, वो कहा करते थे कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में जाके हिंदी बोलना आसान है, भारत की संसद में हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल का काम है। इतनी अंग्रेजियत हमारे देश में आ गई। अटल जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में धारा प्रवाह भाषण दिया था, वो कहते हैं कि यहां झकमार के अंग्रेजी में बोलना पड़ जाता है अपनी संसद। ये शर्मनाक स्थिति बदलनी पड़ेगी हमें। मातृभाषा में सारे काम हमें करने हैं। हमें हमारे जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं, वो ये, हम भारतवासी हैं तो भारतीय भाषाओं में अपने जीवन को चलाएं, भारतीय भूषा पहनना शुरू करें, ये अंग्रेजी भूषा छोड़ें। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस देश के लोग क्या मूर्खता करते हैं। अंग्रेज चले गए, उनकी भूषा पकड़ के रखी हुई है, टाई कोट पैंट और काला कोट, भयंकर गर्मी में और गर्मी देने वाला। इस देश के वकीलों को देखता हूं, जून की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अदालत में अंधाधुंध बहस करते हैं, काला कोट चढ़ाकर और टाई लगाकर। पसीना पसीना अंदर से होता रहता है, कोट पर पसीना जमता रहता है, कोट सफेद सफेद हो जाता है, उसको उतारो तो 10 मीटर दूर बदबू आती है उस पसीने की। इसको उतार के क्यों नहीं फेंक देते इस काले कोट को? अंग्रेजों के जमाने में काला कोट होता था, अब अंग्रेजों के जाने के बाद काले कोट का मतलब क्या? हटाओ इसको। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देखता हूं, आप भी देखते होंगे, एक बारात जा रही है, बारात में दूल्हे राजा 3-पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़कर बैठे हुए हैं, मूर्खों के मूर्ख, सुपर इडियट। शादी वाले दिन इतनी इडियोसिटी, इतनी मूर्खता की जरूरत क्या? और जून की भयंकर गर्मी में दूल्हे राजा घोड़े पर 3-पीस सूट लाद के चढ़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, ससुराल में जाके चिल्लाते एसी लाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत क्या है? और उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुम 3-पीस सूट और टाई लगा के अपनी दुल्हन को लेने आए हो तो अपनी दुल्हन को स्कर्ट पहना के लेके जाओ, तब तो समझ में आता है।
क्योंकि अंग्रेज आदमी जब सूट और टाई पहनता है तो उसकी पत्नी स्कर्ट पहनती है, तब तो दोनों एक जैसे हैं ना। हम कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगी ये? एक को तो थ्री पीस सूट और पहना दिया टाई, और पत्नी को साड़ी में, तो पत्नी को स्कर्ट में रखो, तुम थ्री पीस सूट और टाई में रहो, या तुम पत्नी को साड़ी में रखते हो तो खुद धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पोशाक कितनी अच्छी पोशाक है, धोती कुर्ता पजामा खुला रहता है ना, अंदर हवा जाती रहती है, पतलून एकदम टाइट पहन लेते हैं और जीन्स चढ़ती नहीं है, तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पांव उठा के खींच खींच के चढ़ाते हैं, ऐसी टाइट जीन्स पहन के बैठे, और चढ़ गई तो उतरती नहीं है, और कई बार उसके साथ बहुत कुछ उतर जाता है। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में कहां से आ गए? अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, सब कुछ बंद करो, ये अंग्रेजों का, खत्म करो इसको, ये ठीक नहीं। हम भारतीय हैं, भारतीय भाषा इस्तेमाल करें, भारतीय भूषा इस्तेमाल करें, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें। हमारा भोजन अपने बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोटी चावल दाल सब्जी इडली सांभर रसम उत्तपम बड़ा, ये सब पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको, या क्या मूर्खता का भोजन है। एक वो डबल रोटी होती है पाव रोटी, जो सड़े मैदे से बनती है, आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी, बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग हो गया, कोल्ड डॉग हो गया, क्या मूर्खता। अपने पास इडली सांभर रसम उत्तपम, इतनी वेराइटीज इस देश में है, यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है, पाव रोटी डबल रोटी यही खाते हैं पूरे देश में, 24-25 देशों में एक ही भोजन है, और कुछ है ही नहीं। गेहूं है, गेहूं से आटा बनाते हैं, आटे को मूर्ख लोग रोटी नहीं बना पाते क्योंकि रोटी बनाना नहीं आता। पूरे यूरोप में अमेरिका में किसी को रोटी बनाना नहीं आता, भारत की हर माँ और बहन को आता है, यूरोप की किसी स्त्री को नहीं आता। वो आटा दे दो उनको गेहूं का और कहो रोटी बनाओ, तो इतना पानी डाल के उसको सान सुन के रख देते हैं, पता ही नहीं है कि कितना पानी डालते हैं, कितना रेशियो, कितना प्रोपोर्शन। मैंने तो यूरोप में ऐसी मूर्ख माताएं देखी हैं, दही जमाना नहीं आता उनको, हाँ वो दही का पाउडर ले आते हैं, पानी में घोल के पी जाते हैं, ना दही ना मट्ठा। हमारे घर की हर माँ को दही बनाना आता है, और सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। बाजार से बनी बनाई सब्जी डब्बे में लाते हैं, प्लेट में रख के ऊपर से नमक डाल के खा जाते हैं, सब्जी बनाना नहीं आता, दाल बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता। हमको सब कुछ आता है, टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है, पूरी बना सकती है, कचौरी बना सकती है, पराठा बना सकती है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, फिर मटर का पराठा, पता नहीं कितने तरह के पराठे, कितनी तरह की पूरी, कितने तरह की कचौरी। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक, हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूं, वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव नहीं। इतनी व्यंजन की विभिन्नता इस देश में कहीं नहीं, और मुझे तो लगता है कि भारत में सबसे बड़ी शोध अगर हुई है तो रसोई घर में हुई है और कहीं नहीं हुई। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की चीज, खानी है तो सिवई बना के खा लो अपने घर में, चाउमीन से अच्छी है। तो भोजन भारत का करो, भाषा भारत की बोलो, भूषा भारत की रखो, भजन भी भारत का करो, संगीत भी भारत का सुनो, ये विदेशी संगीत में कुछ रखा नहीं। वो माइकल जैक्सन मर गया, भला हो भगवान ने उसको बुला लिया, वो
एक डांस करता था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो एक्सरसाइज है कि डांस है। विचित्र विचित्र तरीके से टांग को फेंकना, हाथ को इधर उधर फेंकना, उससे अच्छी तो हमारे यहाँ कसरत होती है वो डांस है। और कुछ समझ में नहीं आता, लोग देखते हैं। और गाता था तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि गा क्या रहा है, ना शब्द समझते हैं ना अर्थ समझता है। कुछ मूर्ख लोगों को उसी में डूबने में मजा आता है, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, पता नहीं कहाँ का सिर कहाँ का पैर। अपना संगीत कोई कमजोर नहीं है दुनिया में, बेहतरीन संगीत है इस देश में। हमारे संगीत की गहराई देखो कि एक एक समय के लिए एक एक राग की व्यवस्था है। गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, जाड़े में अलग, वसंत में अलग, शिशिर में अलग, हर ऋतु में अलग राग। और ऋतु में ही नहीं, समय के हिसाब से सुबह का राग अलग, दोपहर का राग अलग, शाम का अलग, रात का अलग। भैरव भी सुबह ही गाया जा सकता है, भैरव शाम को ही गाया जा सकता है। इतनी बारीकी से जिस देश में संगीत बना हो, उस देश के लोग विदेशी संगीत के पीछे क्यों फंस रहे हैं? छोड़ो ये विदेशी संगीत, विदेशी भाषा, कोई जरूरत नहीं है। फालतू में हम उनका उपयोग कर रहे हैं। पेप्सी कोला, कोका कोला दोनों विदेशी है, हम इसको पी रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं। होता है टैक्स देकर वो 10 रुपए यहां से लूट ले जाते हैं। एक बोतल पेप्सी कोका कोला पिए 10 रुपए अमेरिका चला जाता है। अब हर साल 700 करोड़ बोतल पीते हैं, 7000 करोड़ अमेरिका चला जाता है। अब ये पैसा जो भारत से अमेरिका चला जाता है, अमेरिका वो पाकिस्तान को दान में दे देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को दान में दे देता है, आतंकवादी उससे बम बना लेते हैं और भारत में लाकर उनको फोड़ देते हैं, और हम पेप्सी पीते हुए भारत माता की जय बोलते रहते हैं। पीने लायक नहीं है ये। बहुत लोगों को मैंने कहा क्यों पी रहे हो, कुछ मजा आता? कहते हैं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, आंख में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारे आती हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं, फिर भी मूर्ख हो के मूर्ख पीते ही रहते हैं उसको। पेप्सी कोला कोका कोला बनता है फॉस्फोरिक एसिड से, और यही फॉस्फोरिक एसिड से संडा साफ करने वाला फिनाइल भी बनता है, हार्पिक भी बनता है। एक बार मेरे घर में मैंने एक परीक्षण किया था, पेप्सी कोक से मेरे घर का टॉयलेट साफ किया था, बहुत अच्छा साफ होता है। मैंने क्या किया, एक महीने तक मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो खूब गंदा हो गया, पीला पीला कचरा जमा हो गया। पेप्सी कोला की एक बोतल लाया, टॉयलेट पॉट पे गिराया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झका झक सफेद, एकदम वाइट एंड वाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब हम उसे पीते हैं और घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं, और कुछ अतिथि तो इतने मूर्ख आते हैं कहते हैं ठंडा लाओ माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। क्यों पी रहे हैं, बेकार है, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रहता हूं, वर्धा, हिंगनघाट, नागपुर, चंद्रपुर, उस इलाके में कपास की फसल बहुत होती है। कपास की फसल पे कीड़े बहुत लगते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोला स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि पेप्सी कोक में जहर है, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, ये सब जहर जो कीड़े मारने के काम आते हैं वो पेप्सी कोक में, मत पियो ये जहर है। फिर आप बोलोगे क्या पिए, भारत का देशी गन्ने का रस पियो ना, संतरे का रस, मौसमी का रस, गाजर का रस, टमाटर का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी, सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इसी तरह से वो कॉलगेट क्लोजअप है ना, ये विदेशी है, इसको छोड़ दो, इसकी जगह नीम का दातुन करो, बबूल का दातुन करो। ये जो कॉलगेट है ना, इसमें एक केमिकल है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पर चेतावनी लिखी होती है, कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें कैंसर करने वाला केमिकल। आप छोड़ो इसको, दातुन करो नीम का, बबूल का। और कॉलगेट कितना महंगा है, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो,
बादाम है 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो, और हम पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में रगड़ते हैं और वॉश बेसिन में थूकते, और 150 रुपए किलो घी रोटी पे लगा के खाते और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। मैं कहता हूं और थोड़े स्मार्ट बनो। तो वो पूछते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि गाय के घी से महंगा है। ये मूर्खताएं छोड़ दो आप, 300 रुपए किलो का पेस्ट खरीद रहे हो, बंद करो। दातुन खरीदो ना मुफ्त की, फोकट की, नहीं तो दंत मंजन कर लो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, अब तो हमारा दिव्य योग दंत मंजन भी है, वो ही ले लो। कम से कम पैसा स्वामी जी के ट्रस्ट में तो जाएगा, तो भारत स्वाभिमान के काम आएगा। आप कॉलगेट को दे दोगे वो अमेरिका चला जाएगा। और आपको एक गहरी बात बताता हूं, कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सिबाका फॉरेंस, ये सभी टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं, और सवेरे ही सवेरे इनको आप मुंह में रगड़ते हैं, धर्म का नाश कर लेते हैं। उपवास करने वाले तो जरूर रगड़ते हैं ये हड्डियों का चूरा। आप बंद करो इनको। फिर दाढ़ी लगाने के लिए विदेशी क्रीम मत खरीदो, पामोले, वोल्ड स्पाइस, रेस्मिक, शल्टन, डिटॉल। फिर आप कहोगे दाढ़ी कैसे बनाए, थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 15 साल से बनाता हूं, 4 फायदे हैं। पहला, दूध लगाओ तो चेहरा चिकना होता है, रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड ज्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकाल देता है, चेहरे से गंदगी निकलेगी, कील मुहासे नहीं होते। तीसरा है, चेहरे पे दूध लगाओ चेहरा चमकता है, मुफ्त में स्मार्ट हो जाओगे आप सब। और चौथा फायदा कि दूध से दाढ़ी बनाओ तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा इस देश में रहेगा, पामोलिव की बिक्री बढ़ेगी तो पैसा विदेश है। मेरा एक और निवेदन है कि आपको नहाना है तो साबुन विदेशी मत लाओ, लक्स, लाइफ बॉय, रेक्सोना, एक साबुन है विदेशी डव, 40 रुपए का 100 ग्राम, 400 रुपए किलो। हम रगड़ते हैं और नाली में बहा देते हैं, 400 रुपए किलो। अब मैं कई लोगों से कहता हूं डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगों, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो। अपने देश में किसी भी बड़े बुजुर्ग के हम पांव छुए हैं तो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इतनी तो सुनो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कभी किसी बुजुर्ग ने यह कहा लक्स लगाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? सब कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ। आपको मालूम है महाशिवरात्रि में शंकर भगवान को किससे नहलाते हैं, दूध से कि लक्स से? अब शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्त लोग क्यों नहीं नहा सकते? आप नहाओ दूध से। दूध से नहाने का फायदा बहुत है, पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है सारी। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है, जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना वहां सब जगह मिल्क क्लिंजिंग होता है, और वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ आप। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गर्म नहीं करना, कच्चा दूध, शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो, सारा मैल और गंदगी निकल जाता है। चने के आटे से नहा लो, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धो लो। और जो साबुन ही खरीदना है तो हमारे पतंजलि योगपीठ का कुछ बुरा नहीं है, सौम्या साबुन आया है, बहुत अच्छा है, उसका पैसा ट्रस्ट में जाता है और डव का पैसा अमेरिका जाता है। आप तय कर लो कहां भेजना है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। जिंदगी में कभी भी बीमार पड़ो अंग्रेजी दवा मत खाना कभी, आयुर्वेदिक दवाएं खाना, स्वदेशी दवाएं खाना। एलोपैथी की सारी दवाएं जहर हैं, एक दवा खाओगे दूसरी बीमारी, दूसरी खाओगे तीसरी बीमारी, तीसरी खाओगे चौथी बीमारी, इसलिए आयुर्वेदिक दवाएं खाओ। और हम तो ये कहते हैं बीमारी मत पड़ो, रोज सुबह योग करो, प्राणायाम करो। आधा घंटे अगर 40 मिनट भी आपने प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो जिंदगी में बीमारी आती नहीं है। करोड़ों लोगों के ऊपर ये सिद्ध हो चुका है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने प्राणायाम करा करा के ही लोगों को ठीक कर दिया इस देश।
गंभीर बीमारियों से ठीक कर दिया। हृदय की बीमारियां, वो ब्लड प्रेशर की हो, हाई और लो, हृदय घात की हो, डायबिटीज की हो, ऐसी सैकड़ों बीमारियां प्राणायाम से ठीक हो रही हैं। आप भी नियमित प्राणायाम करो। यहाँ तो योगपीठ के कार्यकर्ता हैं, ये आपको मुफ्त में सिखाते हैं, निःशुल्क में सिखाते हैं। इनकी कक्षाएं आप कहीं भी लगा सकते हो, बीमार पड़ने से आप बचो। और थोड़ा खान पान का ध्यान रखो, बीमार पड़े तो आयुर्वेदिक दवाओं का ज़्यादा से उपयोग करो। तो विदेशी भाषा बहिष्कार करो, विदेशी भूषा, विदेशी भेषज, विदेशी वस्तुएं, सब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके, स्वदेशी का अंगीकार करके, भारत के शहीदों के सपनों को साकार करो। भगत सिंह का यही सपना था, चंद्रशेखर का यही था, महात्मा गांधी का यही था, लाला लाजपत राय का यही था, बिपिन चंद्र पाल का यही था। ये सारे क्रांतिकारी भारत को स्वदेशी बनाना चाहते थे, और अपने अपने जमाने में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हर वस्तु का बहिष्कार किया था। आज फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना है। दो काम हमें करने हैं। पहला, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जो हमने बनाया, इसके साथ आप जुड़ जाओ, हमारी ताकत बन जाओ, और हमारी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये काम कर पाएंगे। हमें भारत स्वाभिमान में 5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और ये ताकत जिस दिन खड़ी हो जाएगी, हम हिंदुस्तान की पूरी राज्य व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, सबको बदल देना चाहते हैं। इस देश में एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। आप अगर भारत स्वाभिमान के सदस्य बने तो ये बहुत आसान है। एक फॉर्म मिलता है, आप उसको भर के दे दो। स्थानीय संचालन समिति के पास वो फॉर्म उपलब्ध है। उसमें दो तरह के सदस्य हैं, एक साधारण सदस्य हैं जिनको 51 रुपये शुल्क देना है, एक विशेष सदस्य हैं जिनको 1100 रुपये दान देना है। आपका 51 और 1100 रुपये हमारे ट्रस्ट में आता है, और ट्रस्ट के द्वारा वो देश के काम के लिए खर्च किया जाता है। किसी के व्यक्तिगत हित में उस पैसे का उपयोग नहीं हो सकता, ट्रस्ट का ऐसा नियम है। आप सदस्य बनेंगे, हमें थोड़े से फंड्स मिलेंगे, हम देश के लिए उनका उपयोग करेंगे। और आप सदस्य बनेंगे तो हमारी ताकत बड़ी होगी, और जिस दिन राजनीतिक दलों की ताकत से ज़्यादा हमारी ताकत होगी, उस दिन जो हम कहेंगे राजनीतिक दल वही करेंगे, जो हम कहेंगे वही कानून बनेंगे, जो हम कहेंगे वही नियम बनेंगे। ऐसा देश हमें बनाना है, जिस देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों शहीदों की कुर्बानी हुई है, वही देश अब आगे बने, ऐसी भावना हमारी है। हम स्वदेशी हों, व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, भाषा स्वदेशी हो, भूषा स्वदेशी हो, भोजन स्वदेशी हो, भजन स्वदेशी हो, और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था बदलने के लिए भारत स्वाभिमान जैसे संगठन के हाथ मजबूत करें। इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और विशेष आभारी रहूँगा आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत स्थली पर बुलाया, इस माटी को नमन करने का, वंदन करने का मुझे मौका दिया, इस माटी को चरण स्पर्श धूलि वंदन करने का मुझे मौका दिया। मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूँ, अपनी टीम का आभारी हूँ, और आपका आभारी रहूँगा कि जो कुछ आपने सुना वो दूसरों को सुनाएं, जो विचार मैंने दिया वो दूसरों को दे